तो मूवी रिव्यू के एक और नए वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैच मी इफ़ यू कैन मूवी के बारे में यह मूवी साल 2002 में रिलीज़ हुई थी काफ़ी लोग कैच मी इफ़ यू कैन मूवी को आज भी देखना पसंद करते हैं सो so अगर आप भी कैच मी इफ़ यू कैन मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज का इस वीडियो को लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें सो so, आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि कैच में इफ़ यू कैन मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही मैं बात करने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको कैच में इफ़ यू कैन मूवी में देखने को मिलेंगे कि इस मूवी को डायरेक्ट किया है एंड किन्ों ने इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है आपको इस वीडियो में डिटेल में पता चलने वाला है साथ ही में हम बात करेंगे कैच में इफ़ यू कैन मूवी के बजट के बारे में कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था सो आपको डिटेल में इस वीडियो में पता चलेगा एंड पता चलेगा कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएगा सो so, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना अगर आप भी कैच में इफ़ यू कैन मूवी को देखना पसंद करते हो सो so, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले इस मूवी की टीम के वर्ग में शुरू कर लेते हैं कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो कैच में इफ़ यू कैन मूवी को डायरेक्ट किया है स्टीवन स्पेलवर्ग ने एंड इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है जेफ नथनसन ने एंड प्रोड्यूस किया है कैच में इफ़ यू कैन मूवी को स्टीवन स्पेलवर्ग ने एंड वॉल्टर एफ पार्कस ने एंड एक्ट्रेस की बात की है कि कौन से एक्टर आपको कैच में इफ़ यू कैन मूवी में देखने को मिलेंगे सबसे पहले लीडिंग रोल पर लियोनार्डियो कार्प देखने को मिल जाते हैं उसके आगे टॉम हैंक्स देखने को मिलेंगे क्रिस्टोफर वॉकन देखने को मिलेंगे मार्टिन शीन देखने को मिलेंगे एंड नथालिया भाई देखने को मिलेंगे कामेंस की देखने को मिल जाएंगे एडिटर की बात की जाए तो इस मूवी को एडिट किया है माइकल कहाान ने एंड सनमैटोग्राफी की, तो की, की बात की जाए तो कैच में इफ़ यू कैन मूवी में सनमाइटोग्राफी की है जानुस्क कामिस्की ने एंड म्यूज़िक किया है इस मूवी का जौहन विलियम्स ने प्रोडक्शन कंपनीज की बात की जाए तो कैच में इफ़ यू कैन मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज हैं एम्बडिन एंटरटेनमेंट ड्रीम वर्कस पिक्चर्स पार्कर एम ए सी डोनल्ड प्रोडक्शंस एंड केम्प कैंप कंपनी स्पलेंडेड पिक्चर्स डिस्ट्रीब्यूट किया है इस मूवी को ड्रीम वर्कस पिक्चर्स ने एंड कैच में इफ़ यू कैन मूवी का रिलीजिंग डेट है पच्चीस दिसंबर दो हज़ार दो और इस मूवी का रनिंग टाइम एक सौ इकतालीस मिनट है एंड बजट की बात की जाए एंड ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो कैच में इफ़ यू कैन मूवी का बजट बावन मिलियन डॉलर का रहा था एंड इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो कैच में इफ़ यू कैन मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तीन सौ बावन मिलियन डॉलर का रहा था तो यह कुछ बात हो गई इस मूवी की टीम के बारे में बजट के बारे में एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में उसके आगे बात कर लेते हैं इस मूवी के जॉनर के बारे में कि क्या जॉनर है इस मूवी के एंड क्या कुछ आपको ख़ास इस मूवी में देखने को मिलेगा कैच मी इफ़ यू कैन मूवी एक बायोग्राफिकल क्राइम कॉमेडी ड्रामा मूवी है यह मूवी आपको बता दें कि साल 2002 में रिलीज़ हुई थी एंड यह मूवी एक बायोग्राफिकल मूवी है जो कि रियल स्टोरी के ऊपर बनाई गई है उसके आगे बात की जाए इस मूवी के एक्ट्रेस के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर लियोनार्डो कॉर्पियो ने इस मूवी में फ्रैंक अवग अवैंगाले का करैक्टर निभाया है उसके आगे टॉम हैंक्स ने कार्ल हैनरेटी का करैक्टर निभाया है क्रिस्टोफर वॉल्कन ने फ्रैंक अवानगलैने का कैरेक्टर निभाया है मार्टिन शीन ने रॉगर स्ट्रॉन्ग का करैक्टर निभाया है नाथलीन बॉय ने पाउला अडा का करेक्टर निभाया है एमी एडाम्स ने ब्रांडा स्ट्रॉन्ग का करैक्टर निभाया है इस मूवी में सो यह कुछ मेन एक्ट्रेस हो गई उसके आगे बात की जाए इस मूवी के कि क्या आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए सो अगर आपको बायोग्राफिकल क्राइम कॉमेडी ड्रामा मूवीज़ देखना पसंद है तो आप इस मूवी को ज़रूर से देख सकते हो यह मूवी आपको बहुत ही पसंद आने वाली है क्योंकि बहुत ही बढ़िया तरीके से इस मूवी को बनाया गया है साथ ही में आपको बहुत ही बढ़िया स्टोरी इस मूवी में देखने को मिलेगी एंड आई एम डी वी पर इस मूवी के आप रेटिंग्स भी चेक कर सकते हो काफ़ी पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले हैं इस मूवी को सो आप ज़रूर से देख सकते हो यह एक बहुत ही बढ़िया मूवी है सो बात की जाए कि कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिलेगी सबसे पहले यूट्यूब की बात की जाए तो यूट्यूब पर तो आपको कैच में इफ़ यू कैन मूवी देखने को नहीं मिलती इस मूवी को देखने के लिए आपको ओ टी प्लेटफॉर्म पर जाना होगा यह मूवी आपको किसी न किसी ओ टी प्लेटफॉर्म पर ज़रूर से मिल जाएगी हिंदी वर्जन में एंड इंग्लिश लैंग्वेज में तो आप जरूर से देख सकते हो अगर आपको किसी ओ टी प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलती तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हो कि कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर इस मूवी को आप देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ है। तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम सो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैच मी इफ़ यू कैन मूवी के बारे में यह मूवी साल 2002 में रिलीज़ हुई थी काफ़ी लोग कैच मी इफ़ यू कैन मूवी को आज भी देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी कैच मी इफ़ यू कैन मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज का इस वीडियो को लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि कैच में इफ़ यू कैन मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही मैं बात करने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको कैच में इफ़ यू कैन मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है एंड किन्होंने इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है आपको इस वीडियो में डिटेल में पता चलने वाला है साथ ही में हम बात करेंगे कैच में इफ़ यू कैन मूवी के बजट के बारे में कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था सो आपको डिटेल में इस वीडियो में पता चलेगा एंड पता चलेगा कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएगा सो so, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना अगर आप भी कैच में इफ़ यू कैन मूवी को देखना पसंद करते हो सो so, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले इस मूवी की टीम के बारे में शुरू कर लेते हैं कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो कैच में इफ़ यू कैन मूवी को डायरेक्ट किया है स्टीवन स्पेलवर्ग ने एंड इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है जेफ नथनसन ने एंड प्रोड्यूस किया है कैच में इफ़ यू कैन मूवी को स्टीवन स्पेलवर्ग ने एंड वॉल्टर एफ पार्कस ने एंड एक्ट्रेस की बात की है कि कौन से एक्टर आपको कैच में इफ़ यू कैन मूवी में देखने को मिलेंगे सबसे पहले लीडिंग रोल पर लियोनार्डियो कार्पो देखने को मिल जाते हैं उसके आगे टॉम हैंक्स देखने को मिलेंगे क्रिस्टोफर वॉकन देखने को मिलेंगे मार्टिन शीन देखने को मिलेंगे एंड नथालिया भाई देखने को मिलेंगे जानुसज कामिस्की देखने को मिल जाएंगे एडिटर की बात की जाए तो इस मूवी को एडिट किया है माइकल कहाान ने एंड सनमाइटोग्राफी की, तो की, की बात की जाए तो कैच में इफ़ यू कैन मूवी में सनमाइटोग्राफी की है जैनुस कामिंसकी ने एंड म्यूज़िक किया है इस मूवी का जहन विलियम्स ने प्रोडक्शन कंपनीज की बात की जाए तो कैच में इफ़ यू कैंड मूवी के प्रोडक्शन कम्पनीज़ हैं एम्बडियन एंटरटेनमेंट ड्रीम वर्कस पिक्चर्स पार्कर एम ए सी डोनाल्ड प्रोडक्शंस एंड कैंप कैंप कंपनी स्पलेंडिड पिक्चर्स डिस्ट्रीब्यूट किया है इस मूवी को ड्रीम वर्कस पिक्चर्स ने एंड कैच मी इफ़ यू कैन मूवी का रिलीजिंग डेट है पच्चीस दिसंबर दो हज़ार दो और इस मूवी का रनिंग टाइम एक सौ इकतालीस मिनट है एंड बजट की बात की जाए एंड वर्कशॉप कलेक्शन की बात की जाए तो कैच में इफ़ यू कैन मूवी का बजट बावन मिलियन डॉलर का रहा था एंड इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो कैच में इफ़ यू कैन मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तीन सौ बावन मिलियन डॉलर का रहा था तो यह कुछ बात हो गई इस मूवी की टीम के बारे में बजट के बारे में एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में उसके आगे बात कर लेते हैं इस मूवी के जॉनर के बारे में कि क्या जॉनर है इस मूवी के एंड क्या कुछ आपको ख़ास इस मूवी में देखने को मिलेगा कैच मी इफ़ यू कैन मूवी एक बायोग्राफिकल क्राइम कॉमेडी ड्रामा मूवी है यह मूवी आपको बता दें कि साल 2002 में रिलीज़ हुई थी एंड यह मूवी एक बायोग्राफिकल मूवी है जो कि रियल स्टोरी के ऊपर बनाई गई है उसके आगे बात की जाए इस मूवी के एक्ट्रेस के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर लियोनार्डो कॉर्पियो ने इस मूवी में फ्रैंक अवग अवैंगले का करैक्टर निभाया है उसके आगे टॉम हैंक्स ने कार्ल हैनरेटी का करैक्टर निभाया है क्रिस्टोफर वॉल्कन ने फ्रैंक अवंगल का करेक्टर निभाया है, है। मार्टिन शीन ने रॉगर स्ट्रॉन्ग का करैक्टर निभाया है नाथलीन बाय ने पाउला अडा अवैगनेले का कैरेक्टर निभाया है एमी एडाम्स ने ब्रांडा स्ट्रॉन्ग का करैक्टर निभाया है इस मूवी में सो so, यह कुछ मेन एक्ट्रेस हो उसके आगे बात की जाए इस मूवी के कि क्या आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए सो so, अगर आपको बायोग्राफिकल क्राइम कॉमेडी ड्रामा मूवीज़ देखना पसंद है तो आप इस मूवी को ज़रूर से देख सकते हो यह मूवी आपको बहुत ही पसंद आने वाली है क्योंकि बहुत ही बढ़िया तरीके से इस मूवी को बनाया गया है साथ ही में आपको बहुत ही बढ़िया स्टोरी इस मूवी में देखने को मिलेगी एंड आई एम डी वी पर इस मूवी के आप रेटिंग्स भी चेक कर सकते हो काफ़ी पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले हैं इस मूवी को सो आप ज़रूर से देख सकते हो यह एक बहुत ही बढ़िया मूवी है सो बात की जाए कि कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिलेगी सबसे पहले यूट्यूब की बात की जाए तो YouTube पर तो आपको कैच में इफ़ यू कैन मूवी देखने को नहीं मिलती इस मूवी को देखने के लिए आपको ओ टी प्लेटफॉर्म पर जाना होगा यह मूवी आपको किसी ना किसी ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर ज़रूर से मिल जाएगी हिंदी वर्जन में एंड इंग्लिश लैंग्वेज में तो आप जरूर से देख सकते हो अगर आपको किसी ओ टी प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलती तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हो कि कौन से ओ टी प्लेटफॉर्म पर इस मूवी को आप देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम सो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैच मी इफ़ यू कैन मूवी के बारे में यह मूवी साल 2002 में रिलीज़ हुई थी काफ़ी लोग कैच मी इफ़ यू कैन मूवी को आज भी देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी कैच मी इफ़ यू कैन मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज का इस वीडियो को लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि कैच में इफ़ यू कैन मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही मैं बात करने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको कैच में इफ़ यू कैन मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है एंड किन्होंने ने इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है आपको इस वीडियो में डिटेल में पता चलने वाला है साथ ही में हम बात करेंगे कैच में इफ़ यू कैन मूवी के बजट के बारे में कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था सो आपको डिटेल में इस वीडियो में पता चलेगा एंड पता चलेगा कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएगा सो so, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना अगर आप भी कैच में इफ़ यू कैन मूवी को देखना पसंद करते हो सो so, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले इस मूवी की टीम के वर्ग में शुरू कर लेते हैं कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो कैच में इफ़ यू कैन मूवी को डायरेक्ट किया है स्टीवन स्पलवर्ग ने एंड इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है जेफ नथनसन ने एंड प्रोड्यूस किया है कैच मी इफ़ यू कैन मूवी को स्टीवन स्पेलवर्ग ने एंड वाल्टर एफ पार्कस ने एंड एक्ट्रेस की बात की है कि कौन से एक्टर आपको कैच मी इफ़ यू कैन मूवी में देखने को मिलेंगे सबसे पहले लीडिंग रोल पर लियोनार्डियो कार्प देखने को मिल जाते हैं उसके आगे टॉम हैंक्स देखने को मिलेंगे क्रिस्टोफर वॉकन देखने को मिलेंगे मार्टिन शीन देखने को मिलेंगे नथालिया बाई देखने को मिलेंगे जानुसज की देखने को मिल जाएंगे एडिटर की बात की जाए तो इस मूवी को एडिट किया है माइकल कहाँ ने एंड सनामाइटोग्राफी की, तो की, की बात की जाए तो कैच में इफ़ यू कैन मूवी में सनमैटोग्राफी की है जानुस्क कामिंसकी ने एंड म्यूज़िक किया है इस मूवी का जौहन विलियम्स ने प्रोडक्शन कंपनीज की बात की जाए तो कैच में इफ़ यू कैंट मूवी के प्रोडक्शन कम्पनीज हैं एम्बलिन एंटरटेनमेंट ड्रीम वर्कस पिक्चर्स पार्कर एम ए सी डोनाल्ड प्रोडक्शंस एंड केम्प कैंप कंपनी स्पलेंडेड पिक्चर्स डिस्ट्रीब्यूट किया है इस मूवी को ड्रीम वर्कस पिक्चर्स ने एंड कैच में इफ़ यू कैन मूवी का रिलीजिंग डेट है पच्चीस दिसंबर दो हज़ार दो और इस मूवी का रनिंग टाइम एक सौ इकतालीस मिनट है एंड बजट की बात की जाए एंड वर्कशॉप कलेक्शन की बात की जाए तो कैच में इफ़ यू कैन मूवी का बजट बावन मिलियन डॉलर का रहा था एंड इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो कैच में इफ़ यू कैन मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तीन सौ बावन मिलियन डॉलर का रहा था तो यह कुछ बात हो गई इस मूवी की टीम के बारे में बजट के बारे में एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में उसके आगे बात कर लेते हैं इस मूवी के जॉनर के बारे में कि क्या जॉनर है इस मूवी के एंड क्या कुछ आपको ख़ास इस मूवी में देखने को मिलेगा कैच मी इफ़ यू कैन मूवी एक बायोग्राफिकल क्राइम कॉमेडी ड्रामा मूवी है यह मूवी आपको बता दें कि साल 2002 में रिलीज हुई थी एंड यह मूवी एक बायोग्राफिकल मूवी है जो कि रियल स्टोरी के ऊपर बनाई गई है उसके आगे बात की जाए इस मूवी के एक्ट्रेस के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर लियोनार्ड कॉर्पियो ने इस मूवी में फ्रैंक अवग अवैंगाले का करैक्टर निभाया है उसके आगे टॉम हैंक्स ने कार्ल हैनरेटी का करैक्टर निभाया है क्रिस्टोफर वॉल्कन ने फ्रैंक अवानगलैने का करैक्टर निभाया है मार्टिन शीन ने रॉगर स्ट्रॉन्ग का करैक्टर निभाया है नाथलीन बाय ने पाउला अडा का करैक्टर निभाया है एमी एडाम्स ने ब्रांडा स्ट्रॉन्ग का करैक्टर निभाया है इस मूवी में सो यह कुछ मेन एक्ट्रेस हो उसके आगे बात की जाए इस मूवी के कि क्या आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए सो अगर आपको बायोग्राफिकल क्राइम कॉमेडी ड्रामा मूवीज़ देखना पसंद है तो आप इस मूवी को ज़रूर से देख सकते हो यह मूवी आपको बहुत ही पसंद आने वाली है क्योंकि बहुत ही बढ़िया तरीके से इस मूवी को बनाया गया है साथ ही में आपको बहुत ही बढ़िया स्टोरी इस मूवी में देखने को मिलेगी एंड आई एम डी पर इस मूवी के आप रेटिंग्स भी चेक कर सकते हो काफ़ी पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले हैं इस मूवी को सो आप ज़रूर से देख सकते हो यह एक बहुत ही बढ़िया मूवी है सो बात की जाए कि कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिलेगी सबसे पहले यूट्यूब की बात की जाए तो YouTube पर तो आपको कैच में इफ़ यू कैन मूवी देखने को नहीं मिलती इस मूवी को देखने के लिए आपको ओ टी प्लेटफॉर्म पर जाना होगा यह मूवी आपको किसी ना किसी ओ टी प्लेटफॉर्म पर जरूर से मिल जाएगी हिंदी वर्जन में एंड इंग्लिश लैंग्वेज में तो आप जरूर से देख सकते हो अगर आपको किसी ओ टी प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलती तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हो कि कौन से ओ टी प्लेटफॉर्म पर इस मूवी को आप देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम सो मूवी रिव्यू के एक और नए वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैच मी इफ़ यू कैन मूवी के बारे में यह मूवी साल 2002 में रिलीज़ हुई थी काफ़ी लोग कैच मी इफ़ यू कैन मूवी को आज भी देखना पसंद करते हैं सो so, अगर आप भी कैच मी इफ़ यू कैन मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज का इस वीडियो को लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें सो so, आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि कैच में इफ़ यू कैन मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही मैं बात करने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको कैच में इफ़ यू कैन मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है एंड किन्होंने इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है आपको इस वीडियो में डिटेल में पता चलने वाला है साथ ही में हम बात करेंगे कैच में इफ़ यू कैन मूवी के बजट के बारे में कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था सो आपको डिटेल में इस वीडियो में पता चलेगा एंड पता चलेगा कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएगा सो so, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना अगर आप भी कैच में इफ़ यू कैन मूवी को देखना पसंद करते हो सो so, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले इस मूवी की टीम के बारे में शुरू कर लेते हैं कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो कैच में इफ़ यू कैन मूवी को डायरेक्ट किया है स्टीवन स्पेलवर्ग ने एंड इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है जेफ नथनसन ने एंड प्रोड्यूस किया है कैच में इफ़ यू कैन मूवी को स्टीवन स्पेलवर्ग ने एंड वाल्टर एफ पार्कस ने एंड एक्ट्रेस की बात की है कि कौन से एक्टर आपको कैच में इफ़ यू कैन मूवी में देखने को मिलेंगे सबसे पहले लीडिंग रोल पर लियोनार्डियो कार्प देखने को मिल जाते हैं उसके आगे टॉम हैंक्स देखने को मिलेंगे क्रिस्टोफर वॉकन देखने को मिलेंगे मार्टिन शीन देखने को मिलेंगे एंड नथालिया बाई देखने को मिलेंगे जानुसज कामिस्की देखने को मिल जाएंगे एडिटर की बात की जाए तो इस मूवी को एडिट किया है माइकल कहाान ने एंड सनमाइटोग्राफी की, तो की, की बात की जाए तो कैच में इफ़ यू कैन मूवी में सनमाइटोग्राफी की है जैनुस्क कामिंसकी ने एंड म्यूज़िक किया है इस मूवी का जहन विलियम्स ने प्रोडक्शन कंपनीज की बात की जाए तो कैच में इफ़ यू कैंड मूवी के प्रोडक्शन कम्पनीज़ हैं एम्बडिन एंटरटेनमेंट ड्रीम वर्कस पिक्चर्स पार्कर एम ए सी डोनाल्ड प्रोडक्शंस एंड कैंप कैंप कंपनी स्पलेंडेड पिक्चर्स डिस्ट्रीब्यूट किया है इस मूवी को ड्रीम वर्कस पिक्चर्स ने एंड कैच मी इफ़ यू कैन मूवी का रिलीजिंग डेट है पच्चीस दिसंबर दो हज़ार दो और इस मूवी का रनिंग टाइम एक सौ इकतालीस मिनट है एंड बजट की बात की जाए एंड ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो कैच में इफ़ यू कैन मूवी का बजट बावन मिलियन डॉलर का रहा था एंड इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो कैच में इफ़ यू कैन मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तीन सौ बावन मिलियन डॉलर का रहा था तो यह कुछ बात हो गई इस मूवी की टीम के बारे में बजट के बारे में एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में उसके आगे बात कर लेते हैं इस मूवी के जॉनर के बारे में कि क्या जॉनर है इस मूवी के एंड क्या कुछ आपको ख़ास इस मूवी में देखने को मिलेगा कैच मी इफ़ यू कैन मूवी एक बायोग्राफिकल क्राइम कॉमेडी ड्रामा मूवी है यह मूवी आपको बता दें कि साल 2002 में रिलीज़ हुई थी एंड यह मूवी एक बायोग्राफिकल मूवी है जो कि रियल स्टोरी के ऊपर बनाई गई है उसके आगे बात की जाए इस मूवी के एक्ट्रेस के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर लियोनार्डो कॉर्पियो ने इस मूवी में फ्रैंक अवग अवैंगले का करैक्टर निभाया है उसके आगे टॉम हैंक्स ने कार्ल हैनरेटी का करैक्टर निभाया है क्रिस्टोफर वॉल्कन ने फ्रैंक अवानगलेने का करैक्टर निभाया है मार्टिन शीन ने रॉगर स्ट्रॉन्ग का करैक्टर निभाया है नाथलीन बाय ने पाउला अडा अवैगनेले का करेक्टर निभाया है एमी एडाम्स ने ब्रांडा स्ट्रॉन्ग का करैक्टर निभाया है इस मूवी में सो यह कुछ मेन एक्ट्रेस हो उसके आगे बात की जाए इस मूवी के कि क्या आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए सो अगर आपको बायोग्राफिकल क्राइम कॉमेडी ड्रामा मूवीज़ देखना पसंद है तो आप इस मूवी को ज़रूर से देख सकते हो यह मूवी आपको बहुत ही पसंद आने वाली है क्योंकि बहुत ही बढ़िया तरीके से इस मूवी को बनाया गया है साथ ही में आपको बहुत ही बढ़िया स्टोरी इस मूवी में देखने को मिलेगी एंड आई एम डी वी पर इस मूवी के आप रेटिंग्स भी चेक कर सकते हो काफ़ी पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले हैं इस मूवी को सो आप ज़रूर से देख सकते हो यह एक बहुत ही बढ़िया मूवी है सो बात की जाए कि कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिलेगी सबसे पहले यूट्यूब की बात की जाए तो यूट्यूब पर तो आपको कैच में इफ़ यू कैन मूवी देखने को नहीं मिलती इस मूवी को देखने के लिए आपको ओ टी प्लेटफॉर्म पर जाना होगा यह मूवी आपको किसी ना किसी ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर ज़रूर से मिल जाएगी हिंदी वर्जन में एंड इंग्लिश लैंग्वेज में तो आप जरूर से देख सकते हो अगर आपको किसी ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलती तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हो कि कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर इस मूवी को आप देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम सो मूवी रिव्यू के एक और नए वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैच मी इफ़ यू कैन मूवी के बारे में यह मूवी साल 2002 में रिलीज़ हुई थी काफ़ी लोग कैच मी इफ़ यू कैन मूवी को आज भी देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी कैच मी इफ़ यू कैन मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज का इस वीडियो को लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि कैच में इफ़ यू कैन मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही मैं बात करने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको कैच में इफ़ यू कैन मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है एंड किन्होंने ने इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है आपको इस वीडियो में डिटेल में पता चलने वाला है साथ ही में हम बात करेंगे कैच में इफ़ यू कैन मूवी के बजट के बारे में कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था सो आपको डिटेल में इस वीडियो में पता चलेगा एंड पता चलेगा कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएगा सो so, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना अगर आप भी कैच में इफ़ यू कैन मूवी को देखना पसंद करते हो सो so, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले इस मूवी की टीम के बारे में शुरू कर लेते हैं कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो कैच में इफ़ यू कैन मूवी को डायरेक्ट किया है स्टीवन स्पेलवर्ग ने एंड इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है जेफ नथनसन ने एंड प्रोड्यूस किया है कैच मी इफ़ यू कैन मूवी को स्टीवन स्पेलवर्ग ने एंड वाल्टर एफ पार्कस ने एंड एक्ट्रेस की बात की है कि कौन से एक्टर आपको कैच मी इफ़ यू कैन मूवी में देखने को मिलेंगे सबसे पहले लीडिंग रोल पर लियोनार्डियो कार्प देखने को मिल जाते हैं उसके आगे टॉम हैंक्स देखने को मिलेंगे क्रिस्टोफर वॉकन देखने को मिलेंगे मार्टिन शीन देखने को मिलेंगे नथालिया बाई देखने को मिलेंगे जेनुस कामिस्की देखने को मिल जाएंगे एडिटर की बात की जाए तो इस मूवी को एडिट किया है माइकल कहा ने एंड सनमाइटोग्राफी की, तो की, की बात की जाए तो कैच में इफ़ यू कैन मूवी में सैनाइटोग्राफी की है जैनुस्क कामिंसकी ने एंड म्यूज़िक किया है इस मूवी का जहन विलियम्स ने प्रोडक्शन कंपनीज की बात की जाए तो कैच में इफ़ यू कैन मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज हैं एम्बडिन एंटरटेनमेंट ड्रीम वर्कस पिक्चर्स पार्कर एम ए सी डोनाल्ड प्रोडक्शंस एंड कैंप केम्प कंपनी स्प्लेंडिड पिक्चर्स डिस्ट्रीब्यूट किया है इस मूवी को ड्रीम वर्कस पिक्चर्स ने एंड कैच मी इफ़ यू कैन मूवी का रिलीजिंग डेट है पच्चीस दिसंबर दो हज़ार दो और इस मूवी का रनिंग टाइम एक सौ इकतालीस मिनट है एंड बजट की बात की जाए एंड वर्कशॉप कलेक्शन की बात की जाए तो कैच में इफ़ यू कैन मूवी का बजट बावन मिलियन डॉलर का रहा था एंड इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो कैच में इफ़ यू कैन मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तीन सौ बावन मिलियन डॉलर का रहा था तो यह कुछ बात हो गई इस मूवी की टीम के बारे में बजट के बारे में एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में उसके आगे बात कर लेते हैं इस मूवी के जॉनर के बारे में कि क्या जॉनर है इस मूवी के एंड क्या कुछ आपको ख़ास इस मूवी में देखने को मिलेगा कैच मी इफ़ यू कैन मूवी एक बायोग्राफिकल क्राइम कॉमेडी ड्रामा मूवी है यह मूवी आपको बता दें कि साल 2002 में रिलीज़ हुई थी एंड यह मूवी एक बायोग्राफिकल मूवी है जो कि रियल स्टोरी के ऊपर बनाई गई है उसके आगे बात की जाए इस मूवी के एक्ट्रेस के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर लियोनार्ड कॉर्पियो ने इस मूवी में फ्रैंक अवग अवैंगले का ग्ड़ करैक्टर निभाया है उसके आगे टॉम हैंक्स ने कार्ल हैनरेटी का करैक्टर निभाया है क्रिस्टोफर वॉल्कन ने फ्रैंक अवंगल का करेक्टर निभाया है मार्टिन शीन ने रॉगर स्ट्रॉन्ग का करैक्टर निभाया है नाथलीन बाय ने पाउला अडा का करैक्टर निभाया है एमी एडाम्स ने ब्रेंडा स्ट्रॉन्ग का करैक्टर निभाया है इस मूवी में सो यह कुछ मेन एक्ट्रेस हो गए उसके आगे बात की जाए इस मूवी के कि क्या आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए सो अगर आपको बायोग्राफिकल क्राइम कॉमेडी ड्रामा मूवीज़ देखना पसंद है तो आप इस मूवी को ज़रूर से देख सकते हो यह मूवी आपको बहुत ही पसंद आने वाली है क्योंकि बहुत ही बढ़िया तरीके से इस मूवी को बनाया गया है साथ ही में आपको बहुत ही बढ़िया स्टोरी इस मूवी में देखने को मिलेगी एंड आई एम डी पर इस मूवी के आप रेटिंग्स भी चेक कर सकते हो काफ़ी पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले हैं इस मूवी को सो आप ज़रूर से देख सकते हो यह एक बहुत ही बढ़िया मूवी है सो बात की जाए कि कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिलेगी सबसे पहले YouTube की बात की जाए तो YouTube पर तो आपको कैच में इफ़ यू कैन मूवी देखने को नहीं मिलती इस मूवी को देखने के लिए आपको ओ टी प्लेटफॉर्म पर जाना होगा यह मूवी आपको किसी ना किसी ओ टी प्लेटफॉर्म पर जरूर से मिल जाएगी हिंदी वर्जन में एंड इंग्लिश लैंग्वेज में तो आप जरूर से देख सकते हो अगर आपको किसी ओ टी प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलती तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हो कि कौन से ओ टी प्लेटफॉर्म पर इस मूवी को आप देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ है। तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम सो मूवी रिव्यू के एक और नए वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैच मी इफ़ यू कैन मूवी के बारे में यह मूवी साल 2002 में रिलीज़ हुई थी काफ़ी लोग कैच मी इफ़ यू कैन मूवी को आज भी देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी कैच मी इफ़ यू कैन मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज का इस वीडियो को लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि कैच में इफ़ यू कैन मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही मैं बात करने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको कैच में इफ़ यू कैन मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है एंड किन्ों ने इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है आपको इस वीडियो में डिटेल में पता चलने वाला है साथ ही में हम बात करेंगे कैच में इफ़ यू कैन मूवी के बजट के बारे में कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था सो आपको डिटेल में इस वीडियो में पता चलेगा एंड पता चलेगा कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएगा सो so, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना अगर आप भी कैच में इफ़ यू कैन मूवी को देखना पसंद करते हो सो so, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले इस मूवी की टीम के बारे में शुरू कर लेते हैं कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो कैच में इफ़ यू कैन मूवी को डायरेक्ट किया है स्टीवन स्पलवर्ग ने एंड इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है जेफ नथेन्सन ने एंड प्रोड्यूस किया है कैच में इफ़ यू कैन मूवी को स्टीवन स्पेलवर्ग ने एंड वॉल्टर एफ पार्कस ने एंड एक्ट्रेस की बात की है कि कौन से एक्टर आपको कैच में इफ़ यू कैन मूवी में देखने को मिलेंगे सबसे पहले लीडिंग रोल पर लियोनार्डियो कार्प देखने को मिल जाते हैं उसके आगे टॉम हैंक्स देखने को मिलेंगे क्रिस्टोफर वॉकन देखने को मिलेंगे मार्टिन शीन देखने को मिलेंगे एंड नथालिया भाई देखने को मिलेंगे जानुसज की देखने को मिल जाएंगे एडिटर की बात की जाए तो इस मूवी को एडिट किया है माइकल कहाान ने एंड सनमैटोग्राफी की, तो की, की बात की जाए तो कैच में इफ़ यू कैन मूवी में सनमैटोग्राफी की है जानुस्क कामिस्की ने एंड म्यूज़िक किया है इस मूवी का जौहन विलियम्स ने प्रोडक्शन कंपनीज की बात की जाए तो कैच में इफ़ यू कैन मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज हैं एम्बडिन एंटरटेनमेंट ड्रीम वर्कस पिक्चर्स पार्कर एम ए सी डोनल्ड प्रोडक्शंस एंड केम्प कैंप कंपनी स्पलेंडेड पिक्चर्स डिस्ट्रीब्यूट किया है इस मूवी को ड्रीम वर्कस पिक्चर्स ने एंड कैच में इफ़ यू कैन मूवी का रिलीजिंग डेट है पच्चीस दिसंबर दो हज़ार दो और इस मूवी का रनिंग टाइम एक सौ इकतालीस मिनट है एंड बजट की बात की जाए एंड बॉक्स वर्कसॉप कलेक्शन की बात की जाए तो कैच में इफ़ यू कैन मूवी का बजट बावन मिलियन डॉलर का रहा था एंड इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो कैच में इफ़ यू कैन मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तीन सौ बावन मिलियन डॉलर का रहा था तो यह कुछ बात हो गई इस मूवी की टीम के बारे में बजट के बारे में एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में उसके आगे बात कर लेते हैं इस मूवी के जॉनर के बारे में कि क्या जॉनर है इस मूवी के एंड क्या कुछ आपको ख़ास इस मूवी में देखने को मिलेगा कैच मी इफ़ यू कैन मूवी एक बायोग्राफिकल क्राइम कॉमेडी ड्रामा मूवी है यह मूवी आपको बता दें कि साल 2002 में रिलीज़ हुई थी एंड यह मूवी एक बायोग्राफिकल मूवी है जो कि रियल स्टोरी के ऊपर बनाई गई है उसके आगे बात की जाए इस मूवी के एक्ट्रेस के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर लियोनार्डो कॉर्पियो ने इस मूवी में फ्रैंक अवग अवैंगाले का करैक्टर निभाया है उसके आगे टॉम हैंक्स ने कार्ल हैनरेटी का करैक्टर निभाया है क्रिस्टोफर वॉल्कन ने फ्रैंक अवानगलैने का कैरेक्टर निभाया है, है मार्टिन शीन ने रॉगर स्ट्रॉन्ग का करैक्टर निभाया है नाथलीन बॉय ने पाउला अडा का करेक्टर निभाया है एमी एडाम्स ने ब्रांडा स्ट्रॉन्ग का करैक्टर निभाया है इस मूवी में सो यह कुछ मेन एक्ट्रेस हो गई उसके आगे बात की जाए इस मूवी के कि क्या आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए सो अगर आपको बायोग्राफिकल क्राइम कॉमेडी ड्रामा मूवीज़ देखना पसंद है तो आप इस मूवी को ज़रूर से देख सकते हो यह मूवी आपको बहुत ही पसंद आने वाली है क्योंकि बहुत ही बढ़िया तरीके से इस मूवी को बनाया गया है साथ ही में आपको बहुत ही बढ़िया स्टोरी इस मूवी में देखने को मिलेगी एंड आई एम डी वी पर इस मूवी के आप रेटिंग्स भी चेक कर सकते हो काफ़ी पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले हैं इस मूवी को सो आप ज़रूर से देख सकते हो यह एक बहुत ही बढ़िया मूवी है सो बात की जाए कि कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिलेगी सबसे पहले यूट्यूब की बात की जाए तो यूट्यूब पर तो आपको कैच में इफ़ यू कैन मूवी देखने को नहीं मिलती इस मूवी को देखने के लिए आपको ओ टी प्लेटफॉर्म पर जाना होगा यह मूवी आपको किसी ना किसी ओ टी प्लेटफॉर्म पर ज़रूर से मिल जाएगी हिंदी वर्जन में एंड इंग्लिश लैंग्वेज में तो आप ज़रूर से देख सकते हो अगर आपको किसी ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलती तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हो कि कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर इस मूवी को आप देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाई जय हिंद वंदे मातरम सो मूवी रिव्यू के एक और वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैच मी इफ़ यू कैन मूवी के बारे में यह मूवी साल 2002 में रिलीज़ हुई थी काफ़ी लोग कैच मी इफ़ यू कैन मूवी को आज भी देखना पसंद करते हैं सो so, अगर आप भी कैच मी इफ़ यू कैन मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज का इस वीडियो को लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि कैच में इफ़ यू कैन मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही मैं बात करने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको कैच में इफ़ यू कैन मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है एंड किन्होंने ने इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है आपको इस वीडियो में डिटेल में पता चलने वाला है साथ ही में हम बात करेंगे कैच में इफ़ यू कैन मूवी के बजट के बारे में कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था सो आपको डिटेल में इस वीडियो में पता चलेगा एंड पता चलेगा कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएगा सो so, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना अगर आप भी कैच में इफ़ यू कैन मूवी को देखना पसंद करते हो सो so, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले इस मूवी की टीम के बारे में शुरू कर लेते हैं कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो कैच में इफ़ यू कैन मूवी को डायरेक्ट किया है स्टीवन स्पेलवर्ग ने एंड इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है जेफ नथनसन ने एंड प्रोड्यूस किया है कैच में इफ़ यू कैन मूवी को स्टीवन स्पेलवर्ग ने एंड वॉल्टर एफ पार्कस ने एंड एक्ट्रेस की बात की है कि कौन से एक्टर आपको कैच में इफ़ यू कैन मूवी में देखने को मिलेंगे सबसे पहले लीडिंग रोल पर लियोनार्डियो कार्पो देखने को मिल जाते हैं उसके आगे टॉम हैंक्स देखने को मिलेंगे क्रिस्टोफर वॉकन देखने को मिलेंगे मार्टिन शीन देखने को मिलेंगे एंड नथालिया भाई देखने को मिलेंगे जानुसज कामिंसकी देखने को मिल जाएंगे एडिटर की बात की जाए तो इस मूवी को एडिट किया है माइकल कहा ने एंड सनमाइटोग्राफी की, तो की, की बात की जाए तो कैच में इफ़ यू कैन मूवी में सैनाइटोग्राफी की है जैनुस कामिंसकी ने एंड म्यूज़िक किया है इस मूवी का जहन विलियम्स ने प्रोडक्शन कंपनीज की बात की जाए तो कैच में इफ़ यू कैन मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज हैं एम्बडिन एंटरटेनमेंट ड्रीम वर्कस पिक्चर्स पार्कर एम ए सी डोनाल्ड प्रोडक्शंस एंड कैंप कैंप कंपनी स्प्लेंडिड पिक्चर्स डिस्ट्रीब्यूट किया है इस मूवी को ड्रीम वर्कस पिक्चर्स ने एंड कैच मी इफ़ यू कैन मूवी का रिलीजिंग डेट है पच्चीस दिसंबर दो हज़ार दो और इस मूवी का रनिंग टाइम एक सौ इकतालीस मिनट है एंड बजट की बात की जाए एंड वर्कशॉप कलेक्शन की बात की जाए तो कैच में इफ़ यू कैन मूवी का बजट बावन मिलियन डॉलर का रहा था एंड इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो कैच में इफ़ यू कैन मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तीन सौ बावन मिलियन डॉलर का रहा था तो यह कुछ बात हो गई इस मूवी की टीम के बारे में बजट के बारे में एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में उसके आगे बात कर लेते हैं इस मूवी के जॉनर के बारे में कि क्या जॉनर है इस मूवी के एंड क्या कुछ आपको खास इस मूवी में देखने को मिलेगा कैच मी इफ़ यू कैन मूवी एक बायोग्राफिकल क्राइम कॉमेडी ड्रामा मूवी है यह मूवी आपको बता दें कि साल 2002 में रिलीज़ हुई थी एंड यह मूवी एक बायोग्राफिकल मूवी है जो कि रियल स्टोरी के ऊपर बनाई गई है उसके आगे बात की जाए इस मूवी के एक्ट्रेस के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर लियोनार्डो कार्पियो ने इस मूवी में फ्रैंक अवग अवैंगले का कैरेक्टर निभाया है उसके आगे टॉम हैंक्स ने कार्ल हैनरेटी का करैक्टर निभाया है क्रिस्टोफर वॉल्कन ने फ्रैंक अवंगल का करेक्टर निभाया है मार्टिन शीन ने रॉगर स्ट्रॉन्ग का करैक्टर निभाया है नाथलिन बाय ने पाउला अवैगनेले का करैक्टर निभाया है एमी एडाम्स ने ब्रांडा स्ट्रॉन्ग का करैक्टर निभाया है इस मूवी में सो यह कुछ मेन एक्ट्रेस हो गई उसके आगे बात की जाए इस मूवी के कि क्या आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए सो अगर आपको बायोग्राफिकल क्राइम कॉमेडी ड्रामा मूवीज़ देखना पसंद है तो आप इस मूवी को जरूर से देख सकते हो यह मूवी आपको बहुत ही पसंद आने वाली है क्योंकि बहुत ही बढ़िया तरीके से इस मूवी को बनाया गया है साथ ही में आपको बहुत ही बढ़िया स्टोरी इस मूवी में देखने को मिलेगी एंड आई एम डी वी पर इस मूवी के आप रेटिंग्स भी चेक कर सकते हो काफ़ी पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले हैं इस मूवी को सो आप ज़रूर से देख सकते हो यह एक बहुत ही बढ़िया मूवी है सो बात की जाए कि कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिलेगी सबसे पहले यूट्यूब की बात की जाए तो YouTube पर तो आपको कैच में इफ़ यू कैन मूवी देखने को नहीं मिलती इस मूवी को देखने के लिए आपको ओ टी प्लेटफॉर्म पर जाना होगा यह मूवी आपको किसी ना किसी ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर जरूर से मिल जाएगी हिंदी वर्जन में एंड इंग्लिश लैंग्वेज में तो आप जरूर से देख सकते हो अगर आपको किसी ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलती तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हो कि कौन से ओ टी प्लेटफॉर्म पर इस मूवी को आप देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम सो मूवी रिव्यू के एक और नए वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैच मी इफ़ यू कैन मूवी के बारे में यह मूवी साल 2002 में रिलीज़ हुई थी काफ़ी लोग कैच मी इफ़ यू कैन मूवी को आज भी देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी कैच मी इफ़ यू कैन मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज का इस वीडियो को लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि कैच में इफ़ यू कैन मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही मैं बात करने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको कैच में इफ़ यू कैन मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है एंड किन्होंने ने इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है आपको इस वीडियो में डिटेल में पता चलने वाला है साथ ही में हम बात करेंगे कैच में इफ़ यू कैन मूवी के बजट के बारे में कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था सो आपको डिटेल में इस वीडियो में पता चलेगा एंड पता चलेगा कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएगा सो so, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना अगर आप भी कैच में इफ़ यू कैन मूवी को देखना पसंद करते हो सो so, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले इस मूवी की टीम के वर्ग में शुरू कर लेते हैं कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो कैच में इफ़ यू कैन मूवी को डायरेक्ट किया है स्टीवन स्पलवर्ग ने एंड इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है जेफ नथनसन ने एंड प्रोड्यूस किया है कैच मी इफ़ यू कैन मूवी को स्टीवन स्पेलवर्ग ने एंड वाल्टर एफ पार्कस ने एंड एक्ट्रेस की बात की है कि कौन से एक्टर आपको कैच मी इफ़ यू कैन मूवी में देखने को मिलेंगे सबसे पहले लीडिंग रोल पर लियोनार्डियो कार्प देखने को मिल जाते हैं उसके आगे टॉम हैंक्स देखने को मिलेंगे क्रिस्टोफर वॉकन देखने को मिलेंगे मार्टिन शीन देखने को मिलेंगे नथालिया भाई देखने को मिलेंगे जानुसज की देखने को मिल जाएंगे एडिटर की बात की जाए तो इस मूवी को एडिट किया है माइकल कहाँ ने एंड सनामाइटोग्राफी की, तो की, की बात की जाए तो कैच में इफ़ यू कैन मूवी में सनमैटोग्राफी की है जानुस्क कामिंसकी ने एंड म्यूज़िक किया है इस मूवी का जौहन विलियम्स ने प्रोडक्शन कंपनीज की बात की जाए तो कैच में इफ़ यू कैंट मूवी के प्रोडक्शन कम्पनीज हैं एम्बलिन एंटरटेनमेंट ड्रीम वर्कस पिक्चर्स पार्कर एम ए सी डोनाल्ड प्रोडक्शंस एंड कैंप केम्प कंपनी स्पलेंडेड पिक्चर्स डिस्ट्रीब्यूट किया है इस मूवी को ड्रीम वर्कस पिक्चर्स ने एंड कैच में इफ़ यू कैन मूवी का रिलीजिंग डेट है पच्चीस दिसंबर दो हज़ार दो और इस मूवी का रनिंग टाइम एक सौ इकतालीस मिनट है एंड बजट की बात की जाए एंड बॉक्स वर्कशॉप कलेक्शन की बात की जाए तो कैच में इफ़ यू कैन मूवी का बजट बावन मिलियन डॉलर का रहा था एंड इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो कैच में इफ़ यू कैन मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तीन सौ बावन मिलियन डॉलर का रहा था तो यह कुछ बात हो गई इस मूवी की टीम के बारे में बजट के बारे में एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में उसके आगे बात कर लेते हैं इस मूवी के जॉनर के बारे में कि क्या जॉनर है इस मूवी के एंड क्या कुछ आपको खास इस मूवी में देखने को मिलेगा कैच मी इफ़ यू कैन मूवी एक बायोग्राफिकल क्राइम कॉमेडी ड्रामा मूवी है यह मूवी आपको बता दें कि साल 2002 में रिलीज़ हुई थी एंड यह मूवी एक बायोग्राफिकल मूवी है जो कि रियल स्टोरी के ऊपर बनाई गई है उसके आगे बात की जाए इस मूवी के एक्ट्रेस के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर लियोनार्ड कॉर्पियो ने इस मूवी में फ्रैंक अवग अवैंगले का करैक्टर निभाया है उसके आगे टॉम हैंक्स ने कार्ल हैनरेटी का करैक्टर निभाया है क्रिस्टोफर वॉल्कन ने फ्रैंक अवंगल का करेक्टर निभाया है मार्टिन शीन ने रॉगर स्ट्रॉन्ग का करैक्टर निभाया है नाथलीन बाय ने पाउला वैगनेले का करैक्टर निभाया है एमी एडाम्स ने ब्रांडा स्ट्रॉन्ग का करैक्टर निभाया है इस मूवी में सो यह कुछ मेन एक्ट्रेस हो उसके आगे बात की जाए इस मूवी के कि क्या आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए सो अगर आपको बायोग्राफिकल क्राइम कॉमेडी ड्रामा मूवीज़ देखना पसंद है तो आप इस मूवी को ज़रूर से देख सकते हो यह मूवी आपको बहुत ही पसंद आने वाली है क्योंकि बहुत ही बढ़िया तरीके से इस मूवी को बनाया गया है साथ ही में आपको बहुत ही बढ़िया स्टोरी इस मूवी में देखने को मिलेगी एंड आई एम डी पर इस मूवी के आप रेटिंग्स भी चेक कर सकते हो काफ़ी पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले हैं इस मूवी को सो आप ज़रूर से देख सकते हो यह एक बहुत ही बढ़िया मूवी है सो बात की जाए कि कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिलेगी सबसे पहले यूट्यूब की बात की जाए तो YouTube पर तो आपको कैच में इफ़ यू कैन मूवी देखने को नहीं मिलती इस मूवी को देखने के लिए आपको ओ टी प्लेटफॉर्म पर जाना होगा यह मूवी आपको किसी ना किसी ओ टी प्लेटफॉर्म पर ज़रूर से मिल जाएगी हिंदी वर्जन में एंड इंग्लिश लैंग्वेज में तो आप जरूर से देख सकते हो अगर आपको किसी ओ टी प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलती तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हो कि कौन से ओ टी प्लेटफॉर्म पर इस मूवी को आप देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम सो मूवी रिव्यू के एक और नए वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैच मी इफ़ यू कैन मूवी के बारे में यह मूवी साल 2002 में रिलीज़ हुई थी काफ़ी लोग कैच मी इफ़ यू कैन मूवी को आज भी देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी कैच मी इफ़ यू कैन मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज का इस वीडियो को लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें सो so, आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि कैच में इफ़ यू कैन मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही मैं बात करने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको कैच में इफ़ यू कैन मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है एंड किन्ों ने इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है आपको इस वीडियो में डिटेल में पता चलने वाला है साथ ही में हम बात करेंगे कैच में इफ़ यू कैन मूवी के बजट के बारे में कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था सो आपको डिटेल में इस वीडियो में पता चलेगा एंड पता चलेगा कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएगा सो so, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना अगर आप भी कैच में इफ़ यू कैन मूवी को देखना पसंद करते हो सो so, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले इस मूवी की टीम के बारे में शुरू कर लेते हैं कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो कैच में इफ़ यू कैन मूवी को डायरेक्ट किया है स्टीवन स्पेलवर्ग ने एंड इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है जेफ नथनसन ने एंड प्रोड्यूस किया है कैच में इफ़ यू कैन मूवी को स्टीवन स्पेलवर्ग ने एंड वाल्टर एफ पार्कस ने एंड एक्ट्रेस की बात की है कि कौन से एक्टर आपको कैच में इफ़ यू कैन मूवी में देखने को मिलेंगे सबसे पहले लीडिंग रोल पर लियोनार्डियो कार्प देखने को मिल जाते हैं उसके आगे टॉम हैंक्स देखने को मिलेंगे क्रिस्टोफर वॉकन देखने को मिलेंगे मार्टिन शीन देखने को मिलेंगे एंड नथालिया बाई देखने को मिलेंगे जानुसज कामिस्की देखने को मिल जाएंगे एडिटर की बात की जाए तो इस मूवी को एडिट किया है माइकल कहाान ने एंड सनमाइटोग्राफी की, तो की, की बात की जाए तो कैच में इफ़ यू कैन मूवी में सनमाइटोग्राफी की है जैनुस्क कामिंसकी ने एंड म्यूज़िक किया है इस मूवी का जहन विलियम्स ने प्रोडक्शन कंपनीज की बात की जाए तो कैच में इफ़ यू कैंड मूवी के प्रोडक्शन कम्पनीज़ हैं एम्बडिन एंटरटेनमेंट ड्रीम वर्कस पिक्चर्स पार्कर एम ए सी डोनाल्ड प्रोडक्शंस एंड कैंप कैंप कंपनी स्पलेंडेड पिक्चर्स डिस्ट्रीब्यूट किया है इस मूवी को ड्रीम वर्कस पिक्चर्स ने एंड कैच मी इफ़ यू कैन मूवी का रिलीजिंग डेट है पच्चीस दिसंबर दो हजार दो और इस मूवी का रनिंग टाइम एक सौ इकतालीस मिनट है एंड बजट की बात की है एंड ऑफिस कलेक्शन की बात की है तो कैच में इफ़ यू कैन मूवी का बजट बावन मिलियन डॉलर का रहा था एंड इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो कैच में इफ़ यू कैन मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तीन सौ बावन मिलियन डॉलर का रहा था तो यह कुछ बात हो गई इस मूवी की टीम के बारे में बजट के बारे में एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में उसके आगे बात कर लेते हैं इस मूवी के जॉनर के बारे में कि क्या जॉनर है इस मूवी के एंड क्या कुछ आपको ख़ास इस मूवी में देखने को मिलेगा कैच मी इफ़ यू कैन मूवी एक बायोग्राफिकल क्राइम कॉमेडी ड्रामा मूवी है यह मूवी आपको बता दें कि साल 2002 में रिलीज़ हुई थी एंड यह मूवी एक बायोग्राफिकल मूवी है जो कि रियल स्टोरी के ऊपर बनाई गई है उसके आगे बात की जाए इस मूवी के एक्ट्रेस के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर लियोनार्डो कॉर्पियो ने इस मूवी में फ्रैंक अवग अवैंगले का करैक्टर निभाया है उसके आगे टॉम हैंक्स ने कार्ल हैनरेटी का करैक्टर निभाया है क्रिस्टोफर वॉल्कन ने फ्रैंक अवानगलेने का करैक्टर निभाया है, है। मार्टिन शीन ने रॉगर स्ट्रॉन्ग का करैक्टर निभाया है नाथलीन बाय ने पाउला अडा अवैगनेले का करेक्टर निभाया है एमी एडम्स ने ब्रांडा स्ट्रॉन्ग का करैक्टर निभाया है इस मूवी में सो यह कुछ मेन एक्ट्रेस हो उसके आगे बात की जाए इस मूवी के कि क्या आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए सो अगर आपको बायोग्राफिकल क्राइम कॉमेडी ड्रामा मूवीज़ देखना पसंद है तो आप इस मूवी को ज़रूर से देख सकते हो यह मूवी आपको बहुत ही पसंद आने वाली है क्योंकि बहुत ही बढ़िया तरीके से इस मूवी को बनाया गया है साथ ही में आपको बहुत ही बढ़िया स्टोरी इस मूवी में देखने को मिलेगी एंड आई एम डी वी पर इस मूवी के आप रेटिंग्स भी चेक कर सकते हो काफ़ी पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले हैं इस मूवी को सो आप ज़रूर से देख सकते हो यह एक बहुत ही बढ़िया मूवी है सो बात की जाए कि कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिलेगी सबसे पहले यूट्यूब की बात की जाए तो यूट्यूब पर तो आपको कैच में इफ़ यू कैन मूवी देखने को नहीं मिलती इस मूवी को देखने के लिए आपको ओ टी प्लेटफॉर्म पर जाना होगा यह मूवी आपको किसी ना किसी ओ टी प्लेटफॉर्म पर ज़रूर से मिल जाएगी हिंदी वर्जन में एंड इंग्लिश लैंग्वेज में तो आप जरूर से देख सकते हो अगर आपको किसी ओ टी प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलती तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हो कि कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर इस मूवी को आप देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाई जय हिंद वंदे मातरम सो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैच मी इफ़ यू कैन मूवी के बारे में यह मूवी साल 2002 में रिलीज़ हुई थी काफ़ी लोग कैच मी इफ़ यू कैन मूवी को आज भी देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी कैच मी इफ़ यू कैन मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज का इस वीडियो को लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि कैच में इफ़ यू कैन मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही मैं बात करने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको कैच में इफ़ यू कैन मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है एंड किन्होंने ने इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है आपको इस वीडियो में डिटेल में पता चलने वाला है साथ ही में हम बात करेंगे कैच में इफ़ यू कैन मूवी के बजट के बारे में कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था सो आपको डिटेल में इस वीडियो में पता चलेगा एंड पता चलेगा कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ ख़ास आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएगा सो so, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना अगर आप भी कैच में इफ़ यू कैन मूवी को देखना पसंद करते हो सो so, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले इस मूवी की टीम के बारे में शुरू कर लेते हैं कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो कैच में इफ़ यू कैन मूवी को डायरेक्ट किया है स्टीवन स्पलवर्ग ने एंड इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है जेफ नथनसन ने एंड प्रोड्यूस किया है कैच में इफ़ यू कैन मूवी को स्टीवन स्पेलवर्ग ने एंड वाल्टर एफ पार्कस ने एंड एक्ट्रेस की बात की है कि कौन से एक्टर आपको कैच मी इफ़ यू कैन मूवी में देखने को मिलेंगे सबसे पहले लीडिंग रोल पर लियोनार्डियो कार्प देखने को मिल जाते हैं उसके आगे टॉम हैंक्स देखने को मिलेंगे क्रिस्टोफर वॉकन देखने को मिलेंगे मार्टिन शीन देखने को मिलेंगे नथालिया भाई देखने को मिलेंगे जेनुस कामिस्की देखने को मिल जाएंगे एडिटर की बात की जाए तो इस मूवी को एडिट किया है माइकल कहा ने एंड सनमाइटोग्राफी की, तो की, की बात की जाए तो कैच में इफ़ यू कैन मूवी में सैनाइटोग्राफी की है जैनुस्क कामिंसकी ने एंड म्यूज़िक किया है इस मूवी का जहन विलियम्स ने प्रोडक्शन कंपनीज की बात की जाए तो कैच में इफ़ यू कैन मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज हैं एम्बडिन एंटरटेनमेंट ड्रीम वर्कस पिक्चर्स पार्कर एम ए सी डोनाल्ड प्रोडक्शंस एंड कैंप केम्प कंपनी स्प्लेंडिड पिक्चर्स डिस्ट्रीब्यूट किया है इस मूवी को ड्रीम वर्कस पिक्चर्स ने एंड कैच मी इफ़ यू कैन मूवी का रिलीजिंग डेट है पच्चीस दिसंबर दो हज़ार दो और इस मूवी का रनिंग टाइम एक सौ इकतालीस मिनट है एंड बजट की बात की जाए एंड वर्कशॉप कलेक्शन की बात की जाए तो कैच में इफ़ यू कैन मूवी का बजट बावन मिलियन डॉलर का रहा था एंड इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो कैच में इफ़ यू कैन मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तीन सौ बावन मिलियन डॉलर का रहा था तो यह कोई बात हो गई इस मूवी की टीम के बारे में बजट के बारे में एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में उसके आगे बात कर लेते हैं इस मूवी के जॉनर के बारे में कि क्या जॉनर है इस मूवी के एंड क्या कुछ आपको खास इस मूवी में देखने को मिलेगा कैच मी इफ़ यू कैन मूवी एक बायोग्राफिकल क्राइम कॉमेडी ड्रामा मूवी है यह मूवी आपको बता दें कि साल 2002 में रिलीज़ हुई थी एंड यह मूवी एक बायोग्राफिकल मूवी है जो कि रियल स्टोरी के ऊपर बनाई गई है उसके आगे बात की जाए इस मूवी के एक्ट्रेस के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर लियोनार्ड कॉर्पियो ने इस मूवी में फ्रैंक अवग अवैंगले का करैक्टर निभाया है उसके आगे टॉम हैंक्स ने कार्ल हैनरेटी का करैक्टर निभाया है क्रिस्टोफर वॉल्कन ने फ्रैंक अवंगल का करेक्टर निभाया है मार्टिन शीन ने रॉगर स्ट्रॉन्ग का करैक्टर निभाया है नाथलीन बाय ने पाउला अडा का करैक्टर निभाया है एमी एडाम्स ने ब्रेंडा स्ट्रॉन्ग का करैक्टर निभाया है इस मूवी में सो यह कुछ मेन एक्ट्रेस होगी उसके आगे बात की जाए इस मूवी के कि क्या आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए सो अगर आपको बायोग्राफिकल क्राइम कॉमेडी ड्रामा मूवीज़ देखना पसंद है तो आप इस मूवी को ज़रूर से देख सकते हो यह मूवी आपको बहुत ही पसंद आने वाली है क्योंकि बहुत ही बढ़िया तरीके से इस मूवी को बनाया गया है साथ ही में आपको बहुत ही बढ़िया स्टोरी इस मूवी में देखने को मिलेगी एंड आई एम डी पर इस मूवी के आप रेटिंग्स भी चेक कर सकते हो काफ़ी पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले हैं इस मूवी को सो आप ज़रूर से देख सकते हो यह एक बहुत ही बढ़िया मूवी है सो बात की जाए कि कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिलेगी सबसे पहले YouTube की बात की जाए तो YouTube पर तो आपको कैच में इफ़ यू कैन मूवी देखने को नहीं मिलती इस मूवी को देखने के लिए आपको ओ टी प्लेटफॉर्म पर जाना होगा यह मूवी आपको किसी ना किसी ओ टी प्लेटफॉर्म पर जरूर से मिल जाएगी हिंदी वर्जन में एंड इंग्लिश लैंग्वेज में तो आप जरूर से देख सकते हो अगर आपको किसी ओ टी प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलती तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हो कि कौन से ओ टी प्लेटफॉर्म पर इस मूवी को आप देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम सो मूवी रिव्यू के एक और वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैच मी इफ़ यू कैन मूवी के बारे में यह मूवी साल 2002 में रिलीज़ हुई थी काफ़ी लोग कैच मी इफ़ यू कैन मूवी को आज भी देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी कैच मी इफ़ यू कैन मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज का इस वीडियो को लाइक तो जरूर से कर देना चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि कैच में इफ़ यू कैन मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही मैं बात करने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको कैच में इफ़ यू कैन मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है एंड किन्होंने इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है आपको इस वीडियो में डिटेल में पता चलने वाला है साथ ही में हम बात करेंगे कैच में इफ़ यू कैन मूवी के बजट के बारे में कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था सो आपको डिटेल में इस वीडियो में पता चलेगा एंड पता चलेगा कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएगा सो so, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना अगर आप भी कैच में इफ़ यू कैन मूवी को देखना पसंद करते हो सो so, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले इस मूवी की टीम के बारे में शुरू कर लेते हैं कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो कैच में इफ़ यू कैन मूवी को डायरेक्ट किया है स्टीवन स्पलवर्ग ने एंड इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है जेफ नथनसन ने एंड प्रोड्यूस किया है कैच में इफ़ यू कैन मूवी को स्टीवन स्पेलवर्ग ने एंड वॉल्टर एफ पार्कस ने एंड एक्ट्रेस की बात की है कि कौन से एक्टर आपको कैच में इफ़ यू कैन मूवी में देखने को मिलेंगे सबसे पहले लीडिंग रोल पर लियोनार्डियो कार्प देखने को मिल जाते हैं उसके आगे टॉम हैंक्स देखने को मिलेंगे क्रिस्टोफर वॉकन देखने को मिलेंगे मार्टिन शीन देखने को मिलेंगे एंड नथालिया देखने को मिलेंगे कामेंस की देखने को मिल जाएंगे एडिटर की बात की जाए तो इस मूवी को एडिट किया है माइकल कहाान ने एंड सनमैटोग्राफी की, तो की, की बात की जाए तो कैच में इफ़ यू कैन मूवी में सनमैटोग्राफी की है जानुस्क कामिस्की ने एंड म्यूज़िक किया है इस मूवी का जौहन विलियम्स ने प्रोडक्शन कंपनीज की बात की जाए तो कैच में इफ़ यू कैन मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज हैं एम्बडिन एंटरटेनमेंट ड्रीम वर्कस पिक्चर्स पार्कर एम ए सी डोनल्ड प्रोडक्शंस एंड केम्प कैंप कंपनी स्पलेंडेड पिक्चर्स डिस्ट्रीब्यूट किया है इस मूवी को ड्रीम वर्कस पिक्चर्स ने एंड कैच में इफ़ यू कैन मूवी का रिलीजिंग डेट है पच्चीस दिसंबर दो हज़ार दो और इस मूवी का रनिंग टाइम एक सौ इकतालीस मिनट है एंड बजट की बात की जाए एंड वर्कसॉप कलेक्शन की बात की जाए तो कैच में इफ़ यू कैन मूवी का बजट बावन मिलियन डॉलर का रहा था एंड इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो कैच में इफ़ यू कैन मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तीन सौ बावन मिलियन डॉलर का रहा था तो यह कुछ बात हो गई इस मूवी की टीम के बारे में बजट के बारे में एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में उसके आगे बात कर लेते हैं इस मूवी के जॉनर के बारे में कि क्या जॉनर है इस मूवी के एंड क्या कुछ आपको ख़ास इस मूवी में देखने को मिलेगा कैच मी इफ़ यू कैन मूवी एक बायोग्राफिकल क्राइम कॉमेडी ड्रामा मूवी है यह मूवी आपको बता दें कि साल 2002 में रिलीज हुई थी एंड यह मूवी एक बायोग्राफिकल मूवी है जो कि रियल स्टोरी के ऊपर बनाई गई है उसके आगे बात की जाए इस मूवी के एक्ट्रेस के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर लियोनार्डो कॉर्पियो ने इस मूवी में फ्रैंक अवग अवैंगाले का करैक्टर निभाया है उसके आगे टॉम हैंक्स ने कार्ल हैनरेटी का करैक्टर निभाया है क्रिस्टोफर वॉल्कन ने फ्रैंक अवानगलैने का कैरेक्टर निभाया है मार्टिन शीन ने रॉगर स्ट्रॉन्ग का करैक्टर निभाया है नाथलीन बॉय ने पाउला अडा का करेक्टर निभाया है एमी एडाम्स ने ब्रांडा स्ट्रॉन्ग का करैक्टर निभाया है इस मूवी में सो यह कुछ मेन एक्ट्रेस हो गई उसके आगे बात की जाए इस मूवी के कि क्या आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए सो अगर आपको बायोग्राफिकल क्राइम कॉमेडी ड्रामा मूवीज़ देखना पसंद है तो आप इस मूवी को ज़रूर से देख सकते हो यह मूवी आपको बहुत ही पसंद आने वाली है क्योंकि बहुत ही बढ़िया तरीके से इस मूवी को बनाया गया है साथ ही में आपको बहुत ही बढ़िया स्टोरी इस मूवी में देखने को मिलेगी एंड आई एम डी वी पर इस मूवी के आप रेटिंग्स भी चेक कर सकते हो काफ़ी पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले हैं इस मूवी को सो आप ज़रूर से देख सकते हो यह एक बहुत ही बढ़िया मूवी है सो बात की जाए कि कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिलेगी सबसे पहले यूट्यूब की बात की जाए तो यूट्यूब पर तो आपको कैच में इफ़ यू कैन मूवी देखने को नहीं मिलती इस मूवी को देखने के लिए आपको ओ टी प्लेटफॉर्म पर जाना होगा यह मूवी आपको किसी ना किसी ओ टी प्लेटफॉर्म पर ज़रूर से मिल जाएगी हिंदी वर्जन में एंड इंग्लिश लैंग्वेज में तो आप ज़रूर से देख सकते हो अगर आपको किसी ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलती तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हो कि कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर इस मूवी को आप देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाई जय हिंद वंदे मातरम सो मूवी रिव्यू के एक और वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैच मी इफ़ यू कैन मूवी के बारे में यह मूवी साल 2002 में रिलीज़ हुई थी काफ़ी लोग कैच मी इफ़ यू कैन मूवी को आज भी देखना पसंद करते हैं सो so, अगर आप भी कैच मी इफ़ यू कैन मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज का इस वीडियो को लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि कैच में इफ़ यू कैंड मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही मैं बात करने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको कैच मी इफ़ यू कैन मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है एंड किन्होंने इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है आपको इस वीडियो में डिटेल में पता चलने वाला है साथ ही में हम बात करेंगे कैच मी इफ़ यू कैन मूवी के बजट के बारे में कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था सो आपको डिटेल में इस वीडियो में पता चलेगा एंड पता चलेगा कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएगा सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना अगर आप भी कैच में इफ़ यू कैन मूवी को देखना पसंद करते हो सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले इस मूवी की टीम के बारे में शुरू कर लेते हैं कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो कैच में इफ़ यू कैन मूवी को डायरेक्ट किया है स्टीवन स्पेलवर्ग ने एंड इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है जेफ नथनसन ने एंड प्रोड्यूस किया है कैच में इफ़ यू कैन मूवी को स्टीवन स्पेलवर्ग ने एंड वॉल्टर एफ़ पार्कस ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए कि कौन से एक्टर आपको कैच में इफ़ यू कैन मूवी में देखने को मिलेंगे सबसे पहले लीडिंग रोल पर लियोनार्डियो कार्प देखने को मिल जाते हैं उसके आगे टॉम हैंक्स देखने को मिलेंगे क्रिस्टोफर वॉकन देखने को मिलेंगे मार्टिन शीन देखने को मिलेंगे नथालिया भाई देखने को मिलेंगे जैनुस कामिंस की देखने को मिल जाएंगे एडिटर की बात की जाए तो इस मूवी को एडिट किया है माइकल कहाँ ने एंड सैनमेटोग्राफी की बात की जाए तो कैच में इफ़ यू कैन मूवी में सैनमेटोग्राफी की है जनुस्क कमिंसकी ने एंड म्यूजिक किया है इस मूवी का जहन विलियम्स ने प्रोडक्शन कंपनीज की बात की जाए तो कैच में इफ़ यू कैन मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज हैं एम्बलिन एंटरटेनमेंट ड्रीम वर्कस पिक्चर्स पार्कर एम ए सी डोनाल्ड प्रोडक्शंस एंड कैंप कैंप कंपनी स्पलेंडेड पिक्चर्स डिस्ट्रीब्यूट किया है इस मूवी को ड्रीम वर्कस पिक्चर्स ने एंड कैच में इफ़ यू कैन मूवी का रिलीजिंग डेट है पच्चीस दिसंबर दो हज़ार दो और इस मूवी का रनिंग टाइम एक सौ इकतालीस मिनट है एंड बजट की बात की जाए एंड वॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो कैच में इफ़ यू कैन मूवी का बजट बावन मिलियन डॉलर का रहा था एंड इस मूवी के बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो कैच में इफ़ यू कैन मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन तीन मिलियन डॉलर का रहा था तो यह कुछ बात हो गई इस मूवी की टीम के बारे में बजट के बारे में एंड ऑफ कलेक्शन के बारे में उसके आगे बात कर लेते हैं इस मूवी के जॉनर के बारे में कि क्या जॉनर है इस मूवी के एंड क्या कुछ आपको खास इस मूवी में देखने को मिलेगा कैच मी इफ़ यू कैन मूवी एक बायोग्राफिकल क्राइम कॉमेडी ड्रामा मूवी है यह मूवी आपको बता दें कि साल दो हजार दो में रिलीज़ हुई थी एंड यह मूवी एक बायोग्राफिकल मूवी है जो कि रियल स्टोरी के ऊपर बनाई गई है उसके आगे बात की जाए इस मूवी के एक्ट्रेस के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर लियोनार्डो कॉर्पियो ने इस मूवी में फ्रैंक अवग अवैंग नाले का निभाया है उसके आगे टॉम हैंक्स ने कार्ल हैनरेटी का कैरेक्टर निभाया है क्रिस्टोफर वॉल्कन ने फ्रैंक अवंगलेने का कैरेक्टर निभाया है मार्टिन शीन ने रॉगर स्ट्रॉन्ग का कैरेक्टर निभाया है नाथलीन बाये ने पाउला अडा का कैरेक्टर निभाया है एमी एडाम्स ने ब्रांडा स्ट्रॉन्ग का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में सो को जी मेन एक्ट्रेस हो गए उसके आगे बात की जाए इस मूवी के कि क्या आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए So, अगर आपको बायोग्राफिकल क्राइम कॉमेडी ड्रामा मूवीज़ देखना पसंद है तो आप इस मूवी को ज़रूर से देख सकते हो यह मूवी आपको बहुत ही पसंद आने वाली है क्योंकि बहुत ही बढ़िया तरीके से इस मूवी को बनाया गया है साथ ही में आपको बहुत ही बढ़िया स्टोरी इस मूवी में देखने को मिलेगी एंड आई एम डी वी पर इस मूवी के आप रेटिंग्स भी चेक कर सकते हो काफ़ी पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले हैं इस मूवी को सो आप ज़रूर से देख सकते हो यह एक बहुत ही बढ़िया मूवी है सो बात की जाए कि कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिलेगी सबसे पहले यूट्यूब की बात की जाए तो यूट्यूब पर तो आपको कैच में इफ़ यू कैन मूवी देखने को नहीं मिलती इस मूवी को देखने के लिए आपको ओ टी प्लेटफॉर्म पर जाना होगा यह मूवी आपको किसी ना किसी ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर जरूर से मिल जाएगी हिंदी वर्जन में एंड इंग्लिश लैंग्वेज में तो आप जरूर से देख सकते हो अगर आपको किसी ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलती तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हो कि कौन से ओ टी प्लेटफॉर्म पर इस मूवी को आप देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम सो मूवी रिव्यू के एक और नए वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैच मी इफ़ यू कैन मूवी के बारे में यह मूवी साल 2002 में रिलीज़ हुई थी काफ़ी लोग कैच मी इफ़ यू कैन मूवी को आज भी देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी कैच मी इफ़ यू कैन मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज का इस वीडियो को लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि कैच में इफ़ यू कैन मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही मैं बात करने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको कैच में इफ़ यू कैन मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है एंड किन्होंने इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है आपको इस वीडियो में डिटेल में पता चलने वाला है साथ ही में हम बात करेंगे कैच में इफ़ यू कैन मूवी के बजट के बारे में कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था सो आपको डिटेल में इस वीडियो में पता चलेगा एंड पता चलेगा कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएगा सो so, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना अगर आप भी कैच मी इफ़ यू कैन मूवी को देखना पसंद करते हो सो so, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले इस मूवी की टीम के वर्ग में शुरू कर लेते हैं कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो कैच में इफ़ यू कैन मूवी को डायरेक्ट किया है स्टीवन स्पलवर्ग ने एंड इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है जेफ नथनसन ने एंड प्रोड्यूस किया है कैच मी इफ़ यू कैन मूवी को स्टीवन स्पेलवर्ग ने एंड वाल्टर एफ पार्कस ने एंड एक्ट्रेस की बात की है कि कौन से एक्टर आपको कैच मी इफ़ यू कैन मूवी में देखने को मिलेंगे सबसे पहले लीडिंग रोल पर लियोनार्डियो कार्प देखने को मिल जाते हैं उसके आगे टॉम हैंक्स देखने को मिलेंगे क्रिस्टोफर वॉकन देखने को मिलेंगे मार्टिन शीन देखने को मिलेंगे नथालिया बाई देखने को मिलेंगे जानुसज की देखने को मिल जाएंगे एडिटर की बात की जाए तो इस मूवी को एडिट किया है माइकल कहाँ ने एंड सैनिटोग्राफी की, तो की, की बात की जाए तो कैच में इफ़ यू कैन मूवी में सनमैटोग्राफी की है जानुस्क कामिंसकी ने एंड म्यूजिक किया है इस मूवी का जौहन विलियम्स ने प्रोडक्शन कंपनीज की बात की जाए तो कैच में इफ़ यू कैंट मूवी के प्रोडक्शन कम्पनीज़ हैं एम्बलिन एंटरटेनमेंट ड्रीम वर्कस पिक्चर्स पार्कर एम ए सी डोनाल्ड प्रोडक्शंस एंड कैंप केम्प कंपनी स्पलेंडेड पिक्चर्स डिस्ट्रीब्यूट किया है इस मूवी को ड्रीम वर्कस पिक्चर्स ने एंड कैच में इफ़ यू कैन मूवी का रिलीजिंग डेट है पच्चीस दिसंबर दो हज़ार दो और इस मूवी का रनिंग टाइम एक सौ इकतालीस मिनट है एंड बजट की बात की जाए एंड बॉक्स वर्कशॉप कलेक्शन की बात की जाए तो कैच में इफ़ यू कैन मूवी का बजट बावन मिलियन डॉलर का रहा था एंड इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो कैच में इफ़ यू कैन मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तीन सौ बावन मिलियन डॉलर का रहा था तो यह कुछ बात हो गई इस मूवी की टीम के बारे में बजट के बारे में एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में उसके आगे बात कर लेते हैं इस मूवी के जॉनर के बारे में कि क्या जॉनर है इस मूवी के एंड क्या कुछ आपको खास इस मूवी में देखने को मिलेगा कैच मी इफ़ यू कैन मूवी एक बायोग्राफिकल क्राइम कॉमेडी ड्रामा मूवी है यह मूवी आपको बता दें कि साल 2002 में रिलीज़ हुई थी एंड यह मूवी एक बायोग्राफिकल मूवी है जो कि रियल स्टोरी के ऊपर बनाई गई है उसके आगे बात की जाए इस मूवी के एक्ट्रेस के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर लियोनार्ड कॉर्पियो ने इस मूवी में फ्रैंक अवग अवैंगले का करैक्टर निभाया है उसके आगे टॉम हैंक्स ने कार्ल हैनरेटी का करैक्टर निभाया है क्रिस्टोफर वॉल्कन ने फ्रैंक अवंगलैने का करैक्टर निभाया है मार्टिन शीन ने रॉगर स्ट्रॉन्ग का करैक्टर निभाया है नाथलीन बाय ने पाउला वैगनेले का कैरेक्टर निभाया है एमी एडाम्स ने ब्रांडा स्ट्रॉन्ग का करैक्टर निभाया है इस मूवी में सो यह कुछ मेन एक्ट्रेस हो उसके आगे बात की जाए इस मूवी के कि क्या आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए सो अगर आपको बायोग्राफिकल क्राइम कॉमेडी ड्रामा मूवीज़ देखना पसंद है तो आप इस मूवी को ज़रूर से देख सकते हो यह मूवी आपको बहुत ही पसंद आने वाली है क्योंकि बहुत ही बढ़िया तरीके से इस मूवी को बनाया गया है साथ ही में आपको बहुत ही बढ़िया स्टोरी इस मूवी में देखने को मिलेगी एंड आई एम डी पर इस मूवी के आप रेटिंग्स भी चेक कर सकते हो काफ़ी पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले हैं इस मूवी को सो आप ज़रूर से देख सकते हो यह एक बहुत ही बढ़िया मूवी है सो बात की जाए कि कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिलेगी सबसे पहले यूट्यूब की बात की जाए तो YouTube पर तो आपको कैच में इफ़ यू कैन मूवी देखने को नहीं मिलती इस मूवी को देखने के लिए आपको ओ टी प्लेटफॉर्म पर जाना होगा यह मूवी आपको किसी ना किसी ओ टी प्लेटफॉर्म पर ज़रूर से मिल जाएगी हिंदी वर्जन में एंड इंग्लिश लैंग्वेज में तो आप जरूर से देख सकते हो अगर आपको किसी ओ टी प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलती तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हो कि कौन से ओ टी प्लेटफॉर्म पर इस मूवी को आप देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम सो मूवी रिव्यू के एक और नए वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैच मी इफ़ यू कैन मूवी के बारे में यह मूवी साल 2002 में रिलीज़ हुई थी काफ़ी लोग कैच मी इफ़ यू कैन मूवी को आज भी देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी कैच मी इफ़ यू कैन मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज का इस वीडियो को लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें सो so, आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि कैच में इफ़ यू कैन मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही मैं बात करने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको कैच में इफ़ यू कैन मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है एंड किन्होंने ने इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है आपको इस वीडियो में डिटेल में पता चलने वाला है साथ ही में हम बात करेंगे कैच में इफ़ यू कैन मूवी के बजट के बारे में कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था सो आपको डिटेल में इस वीडियो में पता चलेगा एंड पता चलेगा कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएगा सो so, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना अगर आप भी कैच में इफ़ यू कैन मूवी को देखना पसंद करते हो सो so, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले इस मूवी की टीम के बारे में शुरू कर लेते हैं कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो कैच में इफ़ यू कैन मूवी को डायरेक्ट किया है स्टीवन स्पेलवर्ग ने एंड इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है जेफ नथनसन ने एंड प्रोड्यूस किया है कैच में इफ़ यू कैन मूवी को स्टीवन स्पेलवर्ग ने एंड वाल्टर एफ पार्कस ने एंड एक्ट्रेस की बात की है कि कौन से एक्टर आपको कैच में इफ़ यू कैन मूवी में देखने को मिलेंगे सबसे पहले लीडिंग रोल पर लियोनार्डियो कार्प देखने को मिल जाते हैं उसके आगे टॉम हैंक्स देखने को मिलेंगे क्रिस्टोफर वॉकिन देखने को मिलेंगे मार्टिन शीन देखने को मिलेंगे एंड नथालिया बाई देखने को मिलेंगे जानुसज की देखने को मिल जाएंगे एडिटर की बात की जाए तो इस मूवी को एडिट किया है माइकल कहाान ने एंड सनमाइटोग्राफी की, तो की, की बात की जाए तो कैच में इफ़ यू कैन मूवी में सनमाइटोग्राफी की है जैनुस्क कामिंसकी ने एंड म्यूज़िक किया है इस मूवी का जहन विलियम्स ने प्रोडक्शन कंपनीज की बात की जाए तो कैच में इफ़ यू कैंड मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज हैं एम्बडिन एंटरटेनमेंट ड्रीम वर्कस पिक्चर्स पार्कर एम ए सी डोनाल्ड प्रोडक्शंस एंड कैंप कैंप कंपनी स्पलेंडेड पिक्चर्स डिस्ट्रीब्यूट किया है इस मूवी को ड्रीम वर्कस पिक्चर्स ने एंड कैच मी इफ़ यू कैन मूवी का रिलीजिंग डेट है पच्चीस दिसंबर दो हज़ार दो और इस मूवी का रनिंग टाइम एक सौ इकतालीस मिनट है एंड बजट की बात की है एंड वर्कसॉप कलेक्शन की बात की है तो कैच में इफ़ यू कैन मूवी का बजट बावन मिलियन डॉलर का रहा था एंड इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो कैच में इफ़ यू कैन मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तीन सौ बावन मिलियन डॉलर का रहा था तो यह कुछ बात हो गई इस मूवी की टीम के बारे में बजट के बारे में एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में उसके आगे बात कर लेते हैं इस मूवी के जॉनर के बारे में कि क्या जॉनर है इस मूवी के एंड क्या कुछ आपको ख़ास इस मूवी में देखने को मिलेगा कैच मी इफ़ यू कैन मूवी एक बायोग्राफिकल क्राइम कॉमेडी ड्रामा मूवी है यह मूवी आपको बता दें कि साल 2002 में रिलीज़ हुई थी एंड यह मूवी एक बायोग्राफिकल मूवी है जो कि रियल स्टोरी के ऊपर बनाई गई है उसके आगे बात की जाए इस मूवी के एक्ट्रेस के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर लियोनार्डो कॉर्पियो ने इस मूवी में फ्रैंक अवग अवैंगले का करैक्टर निभाया है उसके आगे टॉम हैंक्स ने कार्ल हैनरेटी का करैक्टर निभाया है क्रिस्टोफर वॉल्कन ने फ्रैंक अवानगलेने का करैक्टर निभाया है मार्टिन शीन ने रॉगर स्ट्रॉन्ग का करैक्टर निभाया है नाथलीन बाय ने पाउला अडा अवैगनेले का करेक्टर निभाया है एमी एडाम्स ने ब्रांडा स्ट्रॉन्ग का करैक्टर निभाया है इस मूवी में सो यह कुछ मेन एक्ट्रेस हो उसके आगे बात की जाए इस मूवी के कि क्या आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए सो अगर आपको बायोग्राफिकल क्राइम कॉमेडी ड्रामा मूवीज़ देखना पसंद है तो आप इस मूवी को ज़रूर से देख सकते हो यह मूवी आपको बहुत ही पसंद आने वाली है क्योंकि बहुत ही बढ़िया तरीके से इस मूवी को बनाया गया है साथ ही में आपको बहुत ही बढ़िया स्टोरी इस मूवी में देखने को मिलेगी एंड आई एम डी वी पर इस मूवी के आप रेटिंग्स भी चेक कर सकते हो काफ़ी पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले हैं इस मूवी को सो आप ज़रूर से देख सकते हो यह एक बहुत ही बढ़िया मूवी है सो बात की जाए कि कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिलेगी सबसे पहले यूट्यूब की बात की जाए तो यूट्यूब पर तो आपको कैच में इफ़ यू कैन मूवी देखने को नहीं मिलती इस मूवी को देखने के लिए आपको ओ टी प्लेटफॉर्म पर जाना होगा यह मूवी आपको किसी ना किसी ओ टी प्लेटफॉर्म पर ज़रूर से मिल जाएगी हिंदी वर्जन में एंड इंग्लिश लैंग्वेज में तो आप जरूर से देख सकते हो अगर आपको किसी ओ टी प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलती तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हो कि कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर इस मूवी को आप देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाई जय हिंद वंदे मातरम सो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैच मी इफ़ यू कैन मूवी के बारे में यह मूवी साल 2002 में रिलीज़ हुई थी काफ़ी लोग कैच मी इफ़ यू कैन मूवी को आज भी देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी कैच मी इफ़ यू कैन मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज का इस वीडियो को लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि कैच में इफ़ यू कैन मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही मैं बात करने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको कैच में इफ़ यू कैन मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है एंड किन्होंने इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है आपको इस वीडियो में डिटेल में पता चलने वाला है साथ ही में हम बात करेंगे कैच में इफ़ यू कैन मूवी के बजट के बारे में कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था सो आपको डिटेल में इस वीडियो में पता चलेगा एंड पता चलेगा कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएगा सो so, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना अगर आप भी कैच में इफ़ यू कैन मूवी को देखना पसंद करते हो सो so, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले इस मूवी की टीम के बारे में शुरू कर लेते हैं कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो कैच में इफ़ यू कैन मूवी को डायरेक्ट किया है स्टीवन स्पलवर्ग ने एंड इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है जेफ नथनसन ने एंड प्रोड्यूस किया है कैच मी इफ़ यू कैन मूवी को स्टीवन स्पेलवर्ग ने एंड वाल्टर एफ पार्कस ने एंड एक्ट्रेस की बात की है कि कौन से एक्टर आपको कैच मी इफ़ यू कैन मूवी में देखने को मिलेंगे सबसे पहले लीडिंग रोल पर लियोनार्डियो कार्प देखने को मिल जाते हैं उसके आगे टॉम हैंक्स देखने को मिलेंगे क्रिस्टोफर वॉकन देखने को मिलेंगे मार्टिन शीन देखने को मिलेंगे नथालिया बाई देखने को मिलेंगे जेनुस कामिस्की देखने को मिल जाएंगे एडिटर की बात की जाए तो इस मूवी को एडिट किया है माइकल कहा ने एंड सनमाइटोग्राफी की, तो की, की बात की जाए तो कैच में इफ़ यू कैन मूवी में सैनाइटोग्राफी की है जैनुस्क कामिंसकी ने एंड म्यूज़िक किया है इस मूवी का जहन विलियम्स ने प्रोडक्शन कंपनीज की बात की जाए तो कैच में इफ़ यू कैन मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज हैं एम्बडिन एंटरटेनमेंट ड्रीम वर्कस पिक्चर्स पार्कर एम ए सी डोनाल्ड प्रोडक्शंस एंड कैंप केम्प कंपनी स्प्लेंडिड पिक्चर्स डिस्ट्रीब्यूट किया है इस मूवी को ड्रीम वर्कस पिक्चर्स ने एंड कैच में इफ़ यू कैन मूवी का रिलीजिंग डेट है पच्चीस दिसंबर दो हज़ार दो और इस मूवी का रनिंग टाइम एक सौ इकतालीस मिनट है एंड बजट की बात की जाए एंड वर्कशॉप कलेक्शन की बात की जाए तो कैच में इफ़ यू कैन मूवी का बजट बावन मिलियन डॉलर का रहा था एंड इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो कैच में इफ़ यू कैन मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तीन सौ बावन मिलियन डॉलर का रहा था तो यह कोई बात हो गई इस मूवी की टीम के बारे में बजट के बारे में एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में उसके आगे बात कर लेते हैं इस मूवी के जॉनर के बारे में कि क्या जॉनर है इस मूवी के एंड क्या कुछ आपको खास इस मूवी में देखने को मिलेगा कैच मी इफ़ यू कैन मूवी एक बायोग्राफिकल क्राइम कॉमेडी ड्रामा मूवी है यह मूवी आपको बता दें कि साल 2002 में रिलीज़ हुई थी एंड यह मूवी एक बायोग्राफिकल मूवी है जो कि रियल स्टोरी के ऊपर बनाई गई है उसके आगे बात की जाए इस मूवी के एक्ट्रेस के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर लियोनार्ड कॉर्पियो ने इस मूवी में फ्रैंक अवग अवैंगले का करैक्टर निभाया है उसके आगे टॉम हैंक्स ने कार्ल हैनरेटी का करैक्टर निभाया है क्रिस्टोफर वॉल्कन ने फ्रैंक अवंगल का करेक्टर निभाया है मार्टिन शीन ने रॉगर स्ट्रॉन्ग का करैक्टर निभाया है नाथलीन बाय ने पाउला अडा का करैक्टर निभाया है एमी एडाम्स ने ब्रेंडा स्ट्रॉन्ग का करैक्टर निभाया है इस मूवी में सो यह कुछ मेन एक्ट्रेस होगी उसके आगे बात की जाए इस मूवी के कि क्या आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए सो अगर आपको बायोग्राफिकल क्राइम कॉमेडी ड्रामा मूवीज़ देखना पसंद है तो आप इस मूवी को ज़रूर से देख सकते हो यह मूवी आपको बहुत ही पसंद आने वाली है क्योंकि बहुत ही बढ़िया तरीके से इस मूवी को बनाया गया है साथ ही में आपको बहुत ही बढ़िया स्टोरी इस मूवी में देखने को मिलेगी एंड आई एम डी पर इस मूवी के आप रेटिंग्स भी चेक कर सकते हो काफ़ी पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले हैं इस मूवी को सो आप जरूर से देख सकते हो यह एक बहुत ही बढ़िया मूवी है सो बात की जाए कि कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिलेगी सबसे पहले YouTube की बात की जाए तो YouTube पर तो आपको कैच में इफ़ यू कैन मूवी देखने को नहीं मिलती इस मूवी को देखने के लिए आपको ओ टी प्लेटफॉर्म पर जाना होगा यह मूवी आपको किसी ना किसी ओ टी प्लेटफॉर्म पर जरूर से मिल जाएगी हिंदी वर्जन में एंड इंग्लिश लैंग्वेज में तो आप जरूर से देख सकते हो अगर आपको किसी ओ टी प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलती तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हो कि कौन से ओ टी प्लेटफॉर्म पर इस मूवी को आप देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम सो मूवी रिव्यू के एक और वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैच मी इफ़ यू कैन मूवी के बारे में यह मूवी साल 2002 में रिलीज़ हुई थी काफ़ी लोग कैच मी इफ़ यू कैन मूवी को आज भी देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी कैच मी इफ़ यू कैन मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज का इस वीडियो को लाइक तो जरूर से कर देना चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें सो so, आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि कैच में इफ़ यू कैन मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही मैं बात करने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको कैच में इफ़ यू कैन मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है एंड किन्होंने ने इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है आपको इस वीडियो में डिटेल में पता चलने वाला है साथ ही में हम बात करेंगे कैच में इफ़ यू कैन मूवी के बजट के बारे में कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था सो आपको डिटेल में इस वीडियो में पता चलेगा एंड पता चलेगा कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएगा सो so, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना अगर आप भी कैच में इफ़ यू कैन मूवी को देखना पसंद करते हो सो so, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले इस मूवी की टीम के बारे में शुरू कर लेते हैं कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो कैच में इफ़ यू कैन मूवी को डायरेक्ट किया है स्टीवन स्पलवर्ग ने एंड इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है जेफ नथेन्सन ने एंड प्रोड्यूस किया है कैच में इफ़ यू कैन मूवी को स्टीवन स्पेलवर्ग ने एंड वॉल्टर एफ पार्कस ने एंड एक्ट्रेस की बात की है कि कौन से एक्टर आपको कैच में इफ़ यू कैन मूवी में देखने को मिलेंगे सबसे पहले लीडिंग रोल पर लियोनार्डियो कार्प देखने को मिल जाते हैं उसके आगे टॉम हैंक्स देखने को मिलेंगे क्रिस्टोफर वॉकन देखने को मिलेंगे मार्टिन शीन देखने को मिलेंगे एंड नथालिया भाई देखने को मिलेंगे कामेंस की देखने को मिल जाएंगे एडिटर की बात की जाए तो इस मूवी को एडिट किया है माइकल कहाान ने एंड सनमैटोग्राफी की, तो की, की बात की जाए तो कैच में इफ़ यू कैन मूवी में सनमाइटोग्राफी की है जानसक कामिस्की ने एंड म्यूज़िक किया है इस मूवी का जौहन विलियम्स ने प्रोडक्शन कंपनीज की बात की जाए तो कैच में इफ़ यू कैन मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज हैं एम्बडिन एंटरटेनमेंट ड्रीम वर्कस पिक्चर्स पार्कर एम ए सी डोनल्ड प्रोडक्शंस एंड केम्प कैंप कंपनी स्पलेंडेड पिक्चर्स डिस्ट्रीब्यूट किया है इस मूवी को ड्रीम वर्कस पिक्चर्स ने एंड कैच में इफ़ यू कैन मूवी का रिलीजिंग डेट है पच्चीस दिसंबर दो हज़ार दो और इस मूवी का रनिंग टाइम एक सौ इकतालीस मिनट है एंड बाइट की बात की जाए एंड वर्कसॉप कलेक्शन की बात की जाए तो कैच में इफ़ यू कैन मूवी का बजट बावन मिलियन डॉलर का रहा था एंड इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो कैच में इफ़ यू कैन मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तीन सौ बावन मिलियन डॉलर का रहा था तो यह कुछ बात हो गई इस मूवी की टीम के बारे में बजट के बारे में एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में उसके आगे बात कर लेते हैं इस मूवी के जॉनर के बारे में कि क्या जॉनर है इस मूवी के एंड क्या कुछ आपको ख़ास इस मूवी में देखने को मिलेगा कैच मी इफ़ यू कैन मूवी एक बायोग्राफिकल क्राइम कॉमेडी ड्रामा मूवी है यह मूवी आपको बता दें कि साल 2002 में रिलीज़ हुई थी एंड यह मूवी एक बायोग्राफिकल मूवी है जो कि रियल स्टोरी के ऊपर बनाई गई है उसके आगे बात की जाए इस मूवी के एक्ट्रेस के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर लियोनार्डो कॉर्पियो ने इस मूवी में फ्रैंक अवग अवैंगाले का करैक्टर निभाया है उसके आगे टॉम हैंक्स ने कार्ल हैनरेटी का करैक्टर निभाया है क्रिस्टोफर वॉल्कन ने फ्रैंक अवानगलैने का कैरेक्टर निभाया है मार्टिन शीन ने रॉगर स्ट्रॉन्ग का करैक्टर निभाया है नाथलीन बॉय ने पाउला वैगनेले का करेक्टर निभाया है एमी एडाम्स ने ब्रांडा स्ट्रॉन्ग का करैक्टर निभाया है इस मूवी में सो यह कुछ मेन एक्ट्रेस हो गई उसके आगे बात की जाए इस मूवी के कि क्या आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए सो अगर आपको बायोग्राफिकल क्राइम कॉमेडी ड्रामा मूवीज़ देखना पसंद है तो आप इस मूवी को ज़रूर से देख सकते हो यह मूवी आपको बहुत ही पसंद आने वाली है क्योंकि बहुत ही बढ़िया तरीके से इस मूवी को बनाया गया है साथ ही में आपको बहुत ही बढ़िया स्टोरी इस मूवी में देखने को मिलेगी एंड आई एम डी वी पर इस मूवी के आप रेटिंग्स भी चेक कर सकते हो काफ़ी पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले हैं इस मूवी को सो आप ज़रूर से देख सकते हो यह एक बहुत ही बढ़िया मूवी है सो बात की जाए कि कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिलेगी सबसे पहले यूट्यूब की बात की जाए तो यूट्यूब पर तो आपको कैच में इफ़ यू कैन मूवी देखने को नहीं मिलती इस मूवी को देखने के लिए आपको ओ टी प्लेटफॉर्म पर जाना होगा यह मूवी आपको किसी ना किसी ओ टी प्लेटफॉर्म पर ज़रूर से मिल जाएगी हिंदी वर्जन में एंड इंग्लिश लैंग्वेज में तो आप ज़रूर से देख सकते हो अगर आपको किसी ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलती तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हो कि कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर इस मूवी को आप देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाई जय हिंद वंदे मातरम सो मूवी रिव्यू के एक और वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैच मी इफ़ यू कैन मूवी के बारे में यह मूवी साल 2002 में रिलीज़ हुई थी काफ़ी लोग कैच मी इफ़ यू कैन मूवी को आज भी देखना पसंद करते हैं सो so, अगर आप भी कैच मी इफ़ यू कैन मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज का इस वीडियो को लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि कैच में इफ़ यू कैन मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही मैं बात करने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको कैच में इफ़ यू कैन मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है एंड किन्होंने इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है आपको इस वीडियो में डिटेल में पता चलने वाला है साथ ही में हम बात करेंगे कैच में इफ़ यू कैन मूवी के बजट के बारे में कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था सो आपको डिटेल में इस वीडियो में पता चलेगा एंड पता चलेगा कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएगा सो so, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना अगर आप भी कैच में इफ़ यू कैन मूवी को देखना पसंद करते हो सो so, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले इस मूवी की टीम के बारे में शुरू कर लेते हैं कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो कैच में इफ़ यू कैन मूवी को डायरेक्ट किया है स्टीवन स्पेलवर्ग ने एंड इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है जेफ नथनसन ने एंड प्रोड्यूस किया है कैच में इफ़ यू कैन मूवी को स्टीवन स्पेलवर्ग ने एंड वॉल्टर एफ पार्कस ने एंड एक्ट्रेस की बात की है कि कौन से एक्टर आपको कैच में इफ़ यू कैन मूवी में देखने को मिलेंगे सबसे पहले लीडिंग रोल पर लियोनार्डियो कार्पो देखने को मिल जाते हैं उसके आगे टॉम हैंक्स देखने को मिलेंगे क्रिस्टोफर वॉकन देखने को मिलेंगे मार्टिन शीन देखने को मिलेंगे एंड नथालिया भाई देखने को मिलेंगे जैनुस जानुसज की देखने को मिल जाएंगे एडिटर की बात की जाए तो इस मूवी को एडिट किया है माइकल कहाान ने एंड सनमाइटोग्राफी की, तो की, की बात की जाए तो कैच में इफ़ यू कैन मूवी में सनमाइटोग्राफी की है जैनुस्क कामिंसकी ने एंड म्यूज़िक किया है इस मूवी का जहन विलियम्स ने प्रोडक्शन कंपनीज की बात की जाए तो कैच में इफ़ यू कैंड मूवी के प्रोडक्शन कम्पनीज़ हैं एम्बडियन एंटरटेनमेंट ड्रीम वर्कस पिक्चर्स पार्कर एम ए सी डोनाल्ड प्रोडक्शंस एंड कैंप कैंप कंपनी स्पलेंडिड पिक्चर्स डिस्ट्रीब्यूट किया है इस मूवी को ड्रीम वर्कस पिक्चर्स ने एंड कैच मी इफ़ यू कैन मूवी का रिलीजिंग डेट है पच्चीस दिसंबर दो हज़ार दो और इस मूवी का रनिंग टाइम एक सौ इकतालीस मिनट है एंड बजट की बात की जाए एंड वर्कशॉप कलेक्शन की बात की जाए तो कैच में इफ़ यू कैन मूवी का बजट बावन मिलियन डॉलर का रहा था एंड इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो कैच में इफ़ यू कैन मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तीन सौ बावन मिलियन डॉलर का रहा था तो यह कुछ बात हो गई इस मूवी की टीम के बारे में बजट के बारे में एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में उसके आगे बात कर लेते हैं इस मूवी के जॉनर के बारे में कि क्या जॉनर है इस मूवी के एंड क्या कुछ आपको खास इस मूवी में देखने को मिलेगा कैच मी इफ़ यू कैन मूवी एक बायोग्राफिकल क्राइम कॉमेडी ड्रामा मूवी है यह मूवी आपको बता दें कि साल 2002 में रिलीज़ हुई थी एंड यह मूवी एक बायोग्राफिकल मूवी है जो कि रियल स्टोरी के ऊपर बनाई गई है उसके आगे बात की जाए इस मूवी के एक्ट्रेस के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर लियोनार्डो कॉर्पियो ने इस मूवी में फ्रैंक अवग अवैंगले का करैक्टर निभाया है उसके आगे टॉम हैंक्स ने कार्ल हैनरेटी का करैक्टर निभाया है क्रिस्टोफर वॉल्कन ने फ्रैंक अवंगल का करेक्टर निभाया है, है। मार्टिन शीन ने रॉगर स्ट्रॉन्ग का करैक्टर निभाया है नाथलीन बाय ने पाउला अडा अवैगनेले का कैरेक्टर निभाया है एमी एडाम्स ने ब्रांडा स्ट्रॉन्ग का करैक्टर निभाया है इस मूवी में सो यह कुछ मेन एक्ट्रेस हो उसके आगे बात की जाए इस मूवी के कि क्या आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए सो अगर आपको बायोग्राफिकल क्राइम कॉमेडी ड्रामा मूवीज़ देखना पसंद है तो आप इस मूवी को ज़रूर से देख सकते हो यह मूवी आपको बहुत ही पसंद आने वाली है क्योंकि बहुत ही बढ़िया तरीके से इस मूवी को बनाया गया है साथ ही में आपको बहुत ही बढ़िया स्टोरी इस मूवी में देखने को मिलेगी एंड आई एम डी वी पर इस मूवी के आप रेटिंग्स भी चेक कर सकते हो काफ़ी पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले हैं इस मूवी को सो आप ज़रूर से देख सकते हो यह एक बहुत ही बढ़िया मूवी है सो बात की जाए कि कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिलेगी सबसे पहले यूट्यूब की बात की जाए तो यूट्यूब पर तो आपको कैच में इफ़ यू कैन मूवी देखने को नहीं मिलती इस मूवी को देखने के लिए आपको ओ टी प्लेटफॉर्म पर जाना होगा यह मूवी आपको किसी न किसी ओ टी प्लेटफॉर्म पर ज़रूर से मिल जाएगी हिंदी वर्जन में एंड इंग्लिश लैंग्वेज में तो आप जरूर से देख सकते हो अगर आपको किसी ओ टी प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलती तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हो कि कौन से ओ टी प्लेटफॉर्म पर इस मूवी को आप देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम सो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैच मी इफ़ यू कैन मूवी के बारे में यह मूवी साल 2002 में रिलीज़ हुई थी काफ़ी लोग कैच मी इफ़ यू कैन मूवी को आज भी देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी कैच मी इफ़ यू कैन मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज का इस वीडियो को लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि कैच में इफ़ यू कैन मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही मैं बात करने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको कैच में इफ़ यू कैन मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है एंड किन्होंने इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है आपको इस वीडियो में डिटेल में पता चलने वाला है साथ ही में हम बात करेंगे कैच में इफ़ यू कैन मूवी के बजट के बारे में कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था सो आपको डिटेल में इस वीडियो में पता चलेगा एंड पता चलेगा कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएगा सो so, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना अगर आप भी कैच में इफ़ यू कैन मूवी को देखना पसंद करते हो सो so, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले इस मूवी की टीम के वर्ग में शुरू कर लेते हैं कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो कैच में इफ़ यू कैन मूवी को डायरेक्ट किया है स्टीवन स्पलवर्ग ने एंड इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है जेफ नथैनसन ने एंड प्रोड्यूस किया है कैच में इफ़ यू कैन मूवी को स्टीवन स्पेलवर्ग ने एंड वाल्टर एफ पार्कस ने एंड एक्ट्रेस की बात की है कि कौन से एक्टर आपको कैच में इफ़ यू कैन मूवी में देखने को मिलेंगे सबसे पहले लीडिंग रोल पर लियोनार्डियो कार्प देखने को मिल जाते हैं उसके आगे टॉम हैंक्स देखने को मिलेंगे क्रिस्टोफर वॉकन देखने को मिलेंगे मार्टिन शीन देखने को मिलेंगे एंड नथालिया भाई देखने को मिलेंगे जानुसज की देखने को मिल जाएंगे एडिटर की बात की जाए तो इस मूवी को एडिट किया है माइकल कहाँ ने एंड सैनिटोग्राफी की, तो की, की बात की जाए तो कैच में इफ़ यू कैन मूवी में सनमैटोग्राफी की है जानुस्क कामिंसकी ने एंड म्यूजिक किया है इस मूवी का जौहन विलियम्स ने प्रोडक्शन कंपनीज की बात की जाए तो कैच में इफ़ यू कैंट मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज हैं एम्बलिन एंटरटेनमेंट ड्रीम वर्कस पिक्चर्स पार्कर एम ए सी डोनाल्ड प्रोडक्शंस एंड कैंप केम्प कंपनी स्पलेंडेड पिक्चर्स डिस्ट्रीब्यूट किया है इस मूवी को ड्रीम वर्कस पिक्चर्स ने एंड कैच में इफ़ यू कैन मूवी का रिलीजिंग डेट है पच्चीस दिसंबर दो हज़ार दो और इस मूवी का रनिंग टाइम एक सौ इकतालीस मिनट है एंड बजट की बात की जाए एंड बॉक्स वर्कशॉप कलेक्शन की बात की जाए तो कैच में इफ़ यू कैन मूवी का बजट बावन मिलियन डॉलर का रहा था एंड इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो कैच में इफ़ यू कैन मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तीन सौ बावन मिलियन डॉलर का रहा था तो यह कुछ बात हो गई इस मूवी की टीम के बारे में बजट के बारे में एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में उसके आगे बात कर लेते हैं इस मूवी के जॉनर के बारे में कि क्या जॉनर है इस मूवी के एंड क्या कुछ आपको खास इस मूवी में देखने को मिलेगा कैच मी इफ़ यू कैन मूवी एक बायोग्राफिकल क्राइम कॉमेडी ड्रामा मूवी है यह मूवी आपको बता दें कि साल 2002 में रिलीज़ हुई थी एंड यह मूवी एक बायोग्राफिकल मूवी है जो कि रियल स्टोरी के ऊपर बनाई गई है उसके आगे बात की जाए इस मूवी के एक्ट्रेस के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर लियोनार्ड कॉर्पियो ने इस मूवी में फ्रैंक अवग अवैंगाले का करैक्टर निभाया है उसके आगे टॉम हैंक्स ने कार्ल हैनरेटी का करैक्टर निभाया है क्रिस्टोफर वॉल्कन ने फ्रैंक अवानगलैने का करैक्टर निभाया है मार्टिन शीन ने रॉगर स्ट्रॉन्ग का करैक्टर निभाया है नाथलीन बाय ने पाउला वैगनेले का करैक्टर निभाया है एमी एडाम्स ने ब्रांडा स्ट्रॉन्ग का करैक्टर निभाया है इस मूवी में सो यह कुछ मेन एक्ट्रेस हो उसके आगे बात की जाए इस मूवी के कि क्या आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए सो अगर आपको बायोग्राफिकल क्राइम कॉमेडी ड्रामा मूवीज़ देखना पसंद है तो आप इस मूवी को ज़रूर से देख सकते हो यह मूवी आपको बहुत ही पसंद आने वाली है क्योंकि बहुत ही बढ़िया तरीके से इस मूवी को बनाया गया है साथ ही में आपको बहुत ही बढ़िया स्टोरी इस मूवी में देखने को मिलेगी एंड आई एम डी पर इस मूवी के आप रेटिंग्स भी चेक कर सकते हो काफ़ी पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले हैं इस मूवी को सो आप ज़रूर से देख सकते हो यह एक बहुत ही बढ़िया मूवी है सो बात की जाए कि कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिलेगी सबसे पहले यूट्यूब की बात की जाए तो YouTube पर तो आपको कैच में इफ़ यू कैन मूवी देखने को नहीं मिलती इस मूवी को देखने के लिए आपको ओ टी प्लेटफॉर्म पर जाना होगा यह मूवी आपको किसी ना किसी ओ टी प्लेटफॉर्म पर जरूर से मिल जाएगी हिंदी वर्जन में एंड इंग्लिश लैंग्वेज में तो आप जरूर से देख सकते हो अगर आपको किसी ओ टी प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलती तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हो कि कौन से ओ टी प्लेटफॉर्म पर इस मूवी को आप देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम सो मूवी रिव्यू के एक और नए वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैच मी इफ़ यू कैन मूवी के बारे में यह मूवी साल 2002 में रिलीज़ हुई थी काफ़ी लोग कैच मी इफ़ यू कैन मूवी को आज भी देखना पसंद करते हैं सो so, अगर आप भी कैच मी इफ़ यू कैन मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज का इस वीडियो को लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें सो so आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि कैच में इफ़ यू कैन मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही मैं बात करने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको कैच में इफ़ यू कैन मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है एंड किन्होंने इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है आपको इस वीडियो में डिटेल में पता चलने वाला है साथ ही में हम बात करेंगे कैच में इफ़ यू कैन मूवी के बजट के बारे में कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था सो आपको डिटेल में इस वीडियो में पता चलेगा एंड पता चलेगा कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएगा सो so, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना अगर आप भी कैच में इफ़ यू कैन मूवी को देखना पसंद करते हो सो so, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले इस मूवी की टीम के बारे में शुरू कर लेते हैं कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो कैच में इफ़ यू कैन मूवी को डायरेक्ट किया है स्टीवन स्पेलवर्ग ने एंड इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है जेफ नथनसन ने एंड प्रोड्यूस किया है कैच में इफ़ यू कैन मूवी को स्टीवन स्पेलवर्ग ने एंड वाल्टर एफ पार्कस ने एंड एक्ट्रेस की बात की है कि कौन से एक्टर आपको कैच में इफ़ यू कैन मूवी में देखने को मिलेंगे सबसे पहले लीडिंग रोल पर लियोनार्डियो कार्प देखने को मिल जाते हैं उसके आगे टॉम हैंक्स देखने को मिलेंगे क्रिस्टोफर वॉकिन देखने को मिलेंगे मार्टिन शीन देखने को मिलेंगे एंड नथालिया बाई देखने को मिलेंगे जानुसज कामिस्की देखने को मिल जाएंगे एडिटर की बात की जाए तो इस मूवी को एडिट किया है माइकल कहाान ने एंड सनमाइटोग्राफी की, तो की, की बात की जाए तो कैच में इफ़ यू कैन मूवी में सनमाइटोग्राफी की है जैनुस्क कामिंसकी ने एंड म्यूज़िक किया है इस मूवी का जहन विलियम्स ने प्रोडक्शन कंपनीज की बात की जाए तो कैच में इफ़ यू कैंड मूवी के प्रोडक्शन कम्पनीज़ हैं एम्बडिन एंटरटेनमेंट ड्रीम वर्कस पिक्चर्स पार्कर एम ए सी डोनाल्ड प्रोडक्शंस एंड कैंप कैंप कंपनी स्पलेंडेड पिक्चर्स डिस्ट्रीब्यूट किया है इस मूवी को ड्रीम वर्कस पिक्चर्स ने एंड कैच मी इफ़ यू कैन मूवी का रिलीजिंग डेट है पच्चीस दिसंबर दो हजार दो और इस मूवी का रनिंग टाइम एक सौ इकतालीस मिनट है एंड बजट की बात की जाए एंड ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो कैच में इफ़ यू कैन मूवी का बजट बावन मिलियन डॉलर का रहा था एंड इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो कैच में इफ़ यू कैन मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तीन सौ बावन मिलियन डॉलर का रहा था तो यह कुछ बात हो गई इस मूवी की टीम के बारे में बजट के बारे में एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में उसके आगे बात कर लेते हैं इस मूवी के जॉनर के बारे में कि क्या जॉनर है इस मूवी के एंड क्या कुछ आपको ख़ास इस मूवी में देखने को मिलेगा कैच मी इफ़ यू कैन मूवी एक बायोग्राफिकल क्राइम कॉमेडी ड्रामा मूवी है यह मूवी आपको बता दें कि साल 2002 में रिलीज़ हुई थी एंड यह मूवी एक बायोग्राफिकल मूवी है जो कि रियल स्टोरी के ऊपर बनाई गई है उसके आगे बात की जाए इस मूवी के एक्ट्रेस के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर लियोनार्डो कॉर्पियो ने इस मूवी में फ्रैंक अवग अवैंगले का करैक्टर निभाया है उसके आगे टॉम हैंक्स ने कार्ल हैनरेटी का करैक्टर निभाया है क्रिस्टोफर वॉल्कन ने फ्रैंक अवानगलेने का करैक्टर निभाया है मार्टिन शीन ने रॉगर स्ट्रॉन्ग का करैक्टर निभाया है नाथलीन बाय ने पाउला अडा अवैगनेले का करेक्टर निभाया है एमी एडम्स ने ब्रांडा स्ट्रॉन्ग का करैक्टर निभाया है इस मूवी में सो यह कुछ मेन एक्ट्रेस हो गई उसके आगे बात की जाए इस मूवी के कि क्या आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए सो अगर आपको बायोग्राफिकल क्राइम कॉमेडी ड्रामा मूवीज़ देखना पसंद है तो आप इस मूवी को ज़रूर से देख सकते हो यह मूवी आपको बहुत ही पसंद आने वाली है क्योंकि बहुत ही बढ़िया तरीके से इस मूवी को बनाया गया है साथ ही में आपको बहुत ही बढ़िया स्टोरी इस मूवी में देखने को मिलेगी एंड आई एम डी वी पर इस मूवी के आप रेटिंग्स भी चेक कर सकते हो काफ़ी पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले हैं इस मूवी को सो आप ज़रूर से देख सकते हो यह एक बहुत ही बढ़िया मूवी है सो बात की जाए कि कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिलेगी सबसे पहले यूट्यूब की बात की जाए तो यूट्यूब पर तो आपको कैच में इफ़ यू कैन मूवी देखने को नहीं मिलती इस मूवी को देखने के लिए आपको ओ टी प्लेटफॉर्म पर जाना होगा यह मूवी आपको किसी ना किसी ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर ज़रूर से मिल जाएगी हिंदी वर्जन में एंड इंग्लिश लैंग्वेज में तो आप जरूर से देख सकते हो अगर आपको किसी ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलती तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हो कि कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर इस मूवी को आप देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम सो मूवी रिव्यू के एक और नए वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैच मी इफ़ यू कैन मूवी के बारे में यह मूवी साल 2002 में रिलीज़ हुई थी काफ़ी लोग कैच मी इफ़ यू कैन मूवी को आज भी देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी कैच मी इफ़ यू कैन मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज का इस वीडियो को लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि कैच में इफ़ यू कैन मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही मैं बात करने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको कैच में इफ़ यू कैन मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है एंड किन्होंने इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है आपको इस वीडियो में डिटेल में पता चलने वाला है साथ ही में हम बात करेंगे कैच में इफ़ यू कैन मूवी के बजट के बारे में कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था सो आपको डिटेल में इस वीडियो में पता चलेगा एंड पता चलेगा कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएगा सो so, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना अगर आप भी कैच में इफ़ यू कैन मूवी को देखना पसंद करते हो सो so, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले इस मूवी की टीम के बारे में शुरू कर लेते हैं कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो कैच में इफ़ यू कैन मूवी को डायरेक्ट किया है स्टीवन स्पलवर्ग ने एंड इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है जेफ नथनसन ने एंड प्रोड्यूस किया है कैच में इफ़ यू कैन मूवी को स्टीवन स्पेलवर्ग ने एंड वाल्टर एफ पार्कस ने एंड एक्ट्रेस की बात की है कि कौन से एक्टर आपको कैच मी इफ़ यू कैन मूवी में देखने को मिलेंगे सबसे पहले लीडिंग रोल पर लियोनार्डियो कार्प देखने को मिल जाते हैं उसके आगे टॉम हैंक्स देखने को मिलेंगे क्रिस्टोफर वॉकन देखने को मिलेंगे मार्टिन शीन देखने को मिलेंगे नथालिया भाई देखने को मिलेंगे जेनुस कामिस्की देखने को मिल जाएंगे एडिटर की बात की जाए तो इस मूवी को एडिट किया है माइकल कहा ने एंड सनमाइटोग्राफी की, तो की, की बात की जाए तो कैच में इफ़ यू कैन मूवी में सैनाइटोग्राफी की है जैनुस्क कामिंसकी ने एंड म्यूज़िक किया है इस मूवी का जहन विलियम्स ने प्रोडक्शन कंपनीज की बात की जाए तो कैच में इफ़ यू कैन मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज हैं एम्बडिन एंटरटेनमेंट ड्रीम वर्कस पिक्चर्स पार्कर एम ए सी डोनाल्ड प्रोडक्शंस एंड कैंप केम्प कंपनी स्प्लेंडिड पिक्चर्स डिस्ट्रीब्यूट किया है इस मूवी को ड्रीम वर्कस पिक्चर्स ने एंड कैच में इफ़ यू कैन मूवी का रिलीजिंग डेट है पच्चीस दिसंबर दो हज़ार दो और इस मूवी का रनिंग टाइम एक सौ इकतालीस मिनट है एंड बजट की बात की जाए एंड वर्कशॉप कलेक्शन की बात की जाए तो कैच में इफ़ यू कैन मूवी का बजट बावन मिलियन डॉलर का रहा था एंड इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो कैच में इफ़ यू कैन मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तीन सौ बावन मिलियन डॉलर का रहा था तो यह कुछ बात हो गई इस मूवी की टीम के बारे में बजट के बारे में एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में उसके आगे बात कर लेते हैं इस मूवी के जॉनर के बारे में कि क्या जॉनर है इस मूवी के एंड क्या कुछ आपको खास इस मूवी में देखने को मिलेगा कैच मी इफ़ यू कैन मूवी एक बायोग्राफिकल क्राइम कॉमेडी ड्रामा मूवी है यह मूवी आपको बता दें कि साल 2002 में रिलीज़ हुई थी एंड यह मूवी एक बायोग्राफिकल मूवी है जो कि रियल स्टोरी के ऊपर बनाई गई है उसके आगे बात की जाए इस मूवी के एक्ट्रेस के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर लियोनार्ड कॉर्पियो ने इस मूवी में फ्रैंक अवग अवैंगले का करैक्टर निभाया है उसके आगे टॉम हैंक्स ने कार्ल हैनरेटी का करैक्टर निभाया है क्रिस्टोफर वॉल्कन ने फ्रैंक अवंगल का करेक्टर निभाया है मार्टिन शीन ने रॉगर स्ट्रॉन्ग का करैक्टर निभाया है नाथलीन बाय ने पाउला अडा का कैरेक्टर निभाया है एमी एडाम्स ने ब्रेंडा स्ट्रॉन्ग का करैक्टर निभाया है इस मूवी में सो यह कुछ मेन एक्ट्रेस हो गए उसके आगे बात की जाए इस मूवी के कि क्या आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए सो अगर आपको बायोग्राफिकल क्राइम कॉमेडी ड्रामा मूवीज़ देखना पसंद है तो आप इस मूवी को ज़रूर से देख सकते हो यह मूवी आपको बहुत ही पसंद आने वाली है क्योंकि बहुत ही बढ़िया तरीके से इस मूवी को बनाया गया है साथ ही में आपको बहुत ही बढ़िया स्टोरी इस मूवी में देखने को मिलेगी एंड आई एम डी पर इस मूवी के आप रेटिंग्स भी चेक कर सकते हो काफ़ी पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले हैं इस मूवी को सो आप ज़रूर से देख सकते हो यह एक बहुत ही बढ़िया मूवी है सो बात की जाए कि कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिलेगी सबसे पहले YouTube की बात की जाए तो YouTube पर तो आपको कैच में इफ़ यू कैन मूवी देखने को नहीं मिलती इस मूवी को देखने के लिए आपको ओ टी प्लेटफॉर्म पर जाना होगा यह मूवी आपको किसी ना किसी ओ टी प्लेटफॉर्म पर जरूर से मिल जाएगी हिंदी वर्जन में एंड इंग्लिश लैंग्वेज में तो आप जरूर से देख सकते हो अगर आपको किसी ओ टी प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलती तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हो कि कौन से ओ टी प्लेटफॉर्म पर इस मूवी को आप देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम